भैया लाइट ऑफ कर दो, बिजनेस। मैं जब आज यहां पे हूं आपके साथ और दो दिनों से जो प्रोग्राम चल रहा है, लोगों ने जो बताया, जो बोल रहे हैं, लग रहा है एकदम सही बोल रहे हैं, एकदम ऐसा ही होता है। मन में लग रहा है क्या बोल रहे हैं यार, कितना शानदार बोल रहे हैं, कितना अच्छा बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं लग रहा है उनका और चले और चले और सुने। और अभी यहां तक प्रोग्राम आया, आगे की पड़ाव बाकी है। बहुत शानदार तरीके से बीत रहा है ये समय और भविष्य के नए चैंपियन तैयार हो रहे हैं। बहुत सारे सपने आंखों में लोगों के तैयार हो रहे हैं, हो रहे हैं ना। तो मैं जब आज यहां पे हूं तो मेरे मन में चल रहा है कि बताऊं क्या। मैं आपको सक्सेस के बारे में बताऊं या आपको बताऊं कि मैं क्या बताऊं। मैंने सोचा सक्सेस नहीं बताऊंगा आपको, मैं फेलियर बताऊंगा थोड़ा। नहीं, ये सक्सेस की कहानी होती ही नहीं है। सक्सेस की कहानी कहीं पढ़ा है आपने? कहानी तो पूरी फेलियर की होती है, फाइनल तो सक्सेस होता है। हाँ, तो याद रखना, करोड़पति कौन बनेगा? करोड़पति में जाके और कोई 1 करोड़ 10 करोड़ कमा के आ जाए, उसकी 1 या 2 दिन पेपर में कहानियां होती है, उसका नाम भी आप में से किसी को याद नहीं होगा कि कौन करोड़पति बना। पर आपके शहर में मेहनत करते हुए लाख, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 25 50 100 बार और 1000 बार असफलताओं से लड़ता हुआ जो इंसान सफल हुआ होगा, उसकी कहानी आपकी जुबान पे होगी और आप दूसरों को सुनाते होंगे। तो ये ऊपर वाले से आपको धन्यवाद कहना होगा, थैंक्स बोलना होगा कि उसने इस जिंदगी में मुझे और आपको ये बराबर मौका दिया कि हम सब लोग अपनी अपनी सक्सेस की कहानी लिख सकें, क्योंकि हमारे फेलियर की कहानी बहुत बड़ी है। मैं भी सुना सकता हूं और आप भी सुना सकते हैं, मैं भी सुना सकता हूं और आप भी सुना सकते हैं। कंपनी ने मुझे लगातार 10 साल तक फेल होके काम करते देखा है और इसलिए यह मुझे मौका मिला है। आपको अगर 10 साल लगातार फेलियर से लड़ते हुए आगे बढ़ते हुए देखे तो आपको भी मौका मिल जाएगा। कहानियां सक्सेस की नहीं, कहानियां फेलियर की होती है। सीख सफलता से नहीं, सीख विफलता से मिलती है। वो 2000 मुझे ज्यादा एक्साइटेड किया करने के लिए और शुरू हो गया। हिम्मत जोड़ा, कूद पड़ा, कहा 2000 महीने कमाएंगे, आ गया इसमें। मुझे क्या पता था कि मैं खुद अपने ऊपर आफत मोल ले रहा हूं। मुझे क्या पता था मैं जाके चट्टान से टकरा रहा हूं। मैं तो सीधा सा लड़का था, घर में किसी ने कमाने को बोला नहीं था, अभी पढ़ो यार। मैं प्लस टू पास करने के बाद पार्ट 1 में एडमिशन लिया और उसके अगले महीने ड्यूसॉट में एडमिशन लिया। ऐसे तो शुरू हुई थी अपनी कहानी। आ गया, पढ़ाई, कहते ना आदमी को जिस चीज की कमी उसकी चाहत होती है। जब मुझे प्लान दिखाया गया था ना, मैं बोला मुझे पढ़ना होगा ना तो मैं बहुत जगह ढूंढ के पढ़ लूंगा। कंप्यूटर ही पढ़ना होगा तो मैं तो ड्यूसॉफ्ट का नाम नहीं सुना था उस वक्त। मैं बोला बहुत जगह है, मेरे हर गली मोहल्ले के चौक पे कंप्यूटर के इंस्टीट्यूट है, वहां पढ़ लूंगा, फिर नया जगह क्यों आऊंगा। मैं तो पहला बार कोई इंस्टीट्यूट सुना था जो बोला पढ़ कमा। अभी तक तो बोलता था पढ़ और नहीं कमाया तो तेरी गलती, नहीं टीचर बोलता नालायक तो तू है, माँ बाप ने तो तेरे पैसे बर्बाद किए पढ़ने भेज के, वो तो तू पहला दिन आया था तो मुझे पता था, तो मत एडमिशन करते मेरा, मेरे पैसे लौटा देते कि बेटा रख ले। तो वो पहली बार सुना और इसीलिए थोड़ा डर भी था कि पैसा दे रहा है तो कैसा होगा। पर ये पैसे ही हैं जिसके लिए मैं आया था, मेरे लाइफ में यही एक कमी थी। माँ बाप ने बहुत प्यार दिया था, बहुत प्यार करते थे, लोगों ने बहुत अच्छे से रखा था, जितनी उनकी हैसियत थी, जैसे जिंदगी थी, जैसे कमाते थे। एक ही चीज का कमी था, पापा को जब बोलता था पापा नए कपड़े चाहिए, बोलते थे बेटा 2 महीने रुक जाओ। बोलता था जूते फट गए, बोलते थे बेटा बस 2 महीने रुक जाओ, अभी उसको सिलवा लो। पापा नए जूते खरीदते थे, नीचे से सोल ठुकवा देते थे, बेटा ज्यादा दिन चलेगा। ऐसे तो लाइफ चलती थी। और बोलते थे पापा वो चंदा चाहिए क्रिकेट टीम में देना है, बोलते थे बेटा अगले महीने दे दूंगा,
वो 10 रुपए का चंदा भी दिक्कत होता था, मेरे तो मेरे टीम में क्रिकेट टीम में मेरा उधार चलता था। कोई काम ऐसा नहीं था कि जो बोले और बोले कि ठीक है बेटा आज कर ले, आदत हो गई थी। तो वही एक कमी था मेरे लाइफ में, और मुझे लगा कि ये 2000 से मैं वो कमी दूर कर लूंगा, और इसलिए ड्यू सॉफ्ट को शुरू किया। ड्यू सॉफ्ट तो बहुत आसान लगा मुझे, कर यार चल क्या है, मुझे अच्छा लगा, मेरे दोस्तों को अच्छा लगेगा, चल गया कूद पड़ा मैदान में और दोस्तों को बताया, और उस दिन समझ में आया कि कुछ गलती हो गई लगता है, कुछ गलती कर लिया मैंने। और फिर सोचा पैसे रिटर्निंग का कोई उपाय है क्या, जो मुझे ज्वाइन करवाया बोला सर कुछ काट के भी मिल जाए ना, कुछ काट के भी रिटर्न हो ना, तो मेरा सर हो जाएगा ठीक हो जाएगा सब कुछ। बोले यार ये तो वन वे है यार, बोले वन वे, बोले जाता इधर से सिंगल वे है और आता उधर, जितना लाइन बनाना है तेरे को बना ले, उधर से आएगा वो घूम के मेहनत से आता है, ऐसे रिटर्न नहीं आता है। तो सर बहुत कुछ बताते थे और मैं मीटिंग वीटिंग में नहीं जाता था। मैं किस लिए आया था बिजनेस में, विटामिन एम नहीं पता, स्कूल में नहीं पढ़ा, बुक में नहीं था, अरे उसी विटामिन से तो बुक आया था, कैसे नहीं था। वो कहते ना डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, अरे उस दूसरा रूप तुझे हाथ लगाए उससे पहले उसको विटामिन एम खिलाना पड़ता है, वो सिंपल सी बात है यार, दुनिया इसी से चलती है। तो मैं तो उसके लिए आया था, तो मुझे लगता था मीटिंग सेमिनार क्या करना, आदमी को ज्वाइन करवाना है इसमें अपने पैसे बनाने, मीटिंग से बिजनेस थोड़ी चलता है, सेमिनार से बिजनेस थोड़ी चलता है। मेरे दोस्त को मैं बताऊंगा वो ज्वाइन करेगा, अरे मेरे बोलने से जब नहीं ज्वाइन करेगा तो क्या जो लोग नहीं जानते उनके बोलने से ज्वाइन करेगा, मेरा दोस्त मेरे बोलने से ज्वाइन करेगा या किसी और के बोलने से। तो मैं सोचता सर बोलते थे मीटिंग में, सर मैं कर लूंगा ना, चिंता क्यों कर रहे हो, सीनियर ऑफकोर्स कहते एक्सपीरियंस से तो आदमी सीखता ही, काम करके सीखता है। सीनियर 2-3 महीने पहले से कर रहे थे, एक्सपीरियंस था, मुस्कुराते थे, बोले कोई बात नहीं आप कर लोगे, हाँ सर कर लेंगे कोई जरूरत नहीं। 1-2 महीना हुआ फिर दिन में तारे वारे नजर आने लगे, वो पैसे नहीं आ रहे हैं, सिर्फ दौड़ रहा हूं और जा रहे हैं और जा रहे हैं पैसे, कहाँ मीटिंग में आना है, सर कुछ व्यवस्था होगा वहाँ खाने पीने का, और थैंक्स ऋषि सर का खाने का व्यवस्था है, मैं तो पहले 7-8 साल तक जितनी मीटिंग किया कुछ खाया तक नहीं उसमें, मैं तो एक बार स्पेशल रिकमेंड किया था आनंद सर को कि सर खाने वाने का व्यवस्था कीजिए ना, मेरा दोस्त लोग आएगा ऐसे आता ही नहीं। बोले मनीष जी खिलाने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, बोले सर थोड़ा, वो माने नहीं, उन्होंने मुझे फिर बहुत कुछ समझाया। तो चली अपनी गाड़ी, लास्ट में होता है ना जब थक हार गए सारा उपाय कर लिए, दोस्त सब बोला खुद तो फंसा हमें क्यों फंसा रहा है यार, सब बोला बोला अभी भी, दोस्त बोलता था अभी भी यार पैसे गए समय बचा ले, पैसे गए समय बचा ले, पढ़ाई कर अभी तेरे कमाने की उम्र नहीं हुए। मैं सीनियर से बोलता था सर बोलता तेरा कमाने का उम्र नहीं हुआ है अभी, बोले कोई किताब लेके आओ जिसमें उम्र दिया है कमाने का, दुनिया में कोई बुक सर कोई ऐसी बुक बनी जिसमें उम्र लिखी हो कि इतने साल से कमा सकते हो, नहीं यार। आप लोगों ने पढ़ाया क्या, कहीं ऐसी बुक नहीं है। तो सीनियर लोग ऐसा ऐसा बोलते थे कि अपनी बोलती, मैं तो खुद को बचपन से ही स्मार्ट समझता था, मैं तो सीनियर के पास मजे लेने जाता था कि उनकी बोलती बंद कर दूंगा, पर मैं 4-5 क्वेश्चन पूछता था, मुझे लग रहा था कि उनको जवाब नहीं आता था, और वो 5 मेरे 5-6 सवाल के बाद एक लाइन बोलते थे मैं चुप हो जाता था। वो अनुभव आपके साथ होता है या नहीं होता है। तो शुरू हुआ, लास्ट में 3 महीने बाद बोला सर कुछ उपाय करो सर ऐसे नहीं चलेगा, बहुत उम्मीद से आया हूं सर, और आपने प्लान दिखाया था सर स्पिल ओवर का, उसका कुछ उपाय करो इसमें, स्पिल ओवर आपने देखा है प्लान, हाँ स्पिल ओवर, हाँ। मैं बोला सर कुछ तो उपाय करो, ये तो दिखाने का कुछ तो दिखाओ मुझे, मुझे भी तो दो, एक बार मेरी पेमेंट आने दो सर फिर मैं दिखा दूंगा। बोले एकदम आएगा मनीष जी मेहनत करो।
समझ में नहीं आ रहा था, और जबरदस्ती ये लोग मुझे मीटिंग सेमिनार में ले जाते थे पकड़ पकड़ के। कल जो पट पुट कर रहे थे ना, कल यहाँ पे पट पुट कर रहे थे रणवीर सर मेरे अपलाइन है, वो पकड़ पकड़ के, हाँ जोरदार तालियां होनी चाहिए, बजानी है मन से बजाओ। तो वो पकड़ पकड़ के ले जाते थे मेरे को और बिठा देते थे, और जैसे गेट पे पहुंचते थे ना जाने, मैं उनके पीछे रहता था कि मैं आगे जाऊंगा तो टिकट मुझे लेना होगा ना, मैं उनके पीछे, वो पैसा दिया अपना कटाए अंदर, मैं बोला सर, बोले वो अपना दिया आप अपना दो। मन में लगता था कैसा सीनियर है, उसके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, मेरे मेहनत से कमा रहा है और 10 रुपए की टिकट मुझे नहीं खरीद के दे रहा। मन में लगता था कि यार, अंदर जाते थे बैठते थे, एक दो मीटिंग के बाद बोला सर मीटिंग में होता है क्या सर, मैं सब सीख गया सर, बात एक ही बात तो बार बार सब लोग आते वही बात बोलते हैं, मैं सीख गया सर। पर आज समझ में आता है कि वो मीटिंग में मैं नहीं रहता ना तो बिजनेस में नहीं रहता। हर मीटिंग में एक दो नए लोगों को देखता था जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हर मीटिंग में एक दो नए लोगों को करता था, और हर मीटिंग में मैं किसी सीनियर को नहीं बोलता था पर मन में कसम खाता था अगली मीटिंग में मैं करके आऊंगा। ऐसा 10-20 बार कसम खाया था मैं, बहुत बार कसम खाया था। तो हर बार सोचता था अगली बार दिखाऊंगा, अगली बार मैं स्टेज पे होऊंगा, मुझे लोग मेरी तारीफ करेंगे, मेरा टीम होगा, मुझे भी बोलने का मौका मिलेगा, चढ़ने का टीम था नहीं, नीचे पिन ब्रेक में भी मौका नहीं मिलता था ना मुझे तो। और मेरी इच्छा होती थी शुरू से माइक ही लूं, मैं भी कुछ बोलूं। सर बोलते टीम बढ़ाओ, बोले सर बोलने से टीम और टीम बढ़ा मतलब बोलना है, उसमें टीम बढ़ाने का क्या जरूरत है, बोल सकता हूँ। बोले यार टीम बढ़ाओ फिर मौके मिलेंगे। धीरे धीरे मीटिंग सेमिनार में जाता गया और एक ही चीज बार बार होते थे, ट्रेनिंग आनंद सर का होता था, चिंटू सर का होता था, और ये लोग बार बार कहते थे कि पहले अपना व्हाई क्लियर करो। एक साल तक समझ भी नहीं आता था कैसे व्हाई क्लियर कर, मतलब क्या होता है ये, आते थे और शुरू ही होते थे व्हाई, हाउ, सक्सेस 90% किस पे डिपेंड करता है, क्यों या कैसे पे, मैं बोलता था कैसे पे, बोलते थे मैं तब देखते थे मुस्कुराते थे और लिखते थे 10% कैसे पे करता है, 90% क्यों पे करता है, मुझे समझ में नहीं आता था क्यों से कैसे होगा सक्सेस, अरे ज्वाइनिंग कैसे करे मेरे टीम में ये बताओ, इससे तो होता है। वो बोलते थे नहीं आप क्यों कर रहे हो, पैसा कमाने के लिए, बोले नहीं सर सही बोल रहे हैं, अरे नहीं, अरे सर मैं पढ़ने नहीं आया हूँ कमाने आया हूँ, अरे नहीं क्यों जानो, लो मैं तो बोल रहा हूं कमाने आया और क्यों क्या जानू। उसके बाद आते थे चिंटू सर आते थे और ये कहानियां बड़ी बड़ी सुनाते थे, ऐसा हो गया ये हो गया उन्होंने ऐसा कर लिया, उसके बाद वृद्ध सर की कहानी सुनाते थे, बातें चलती थी, मुझे लगे कि भैया ये क्यों है, क्या इसको समझे कैसे क्यों, मुझे लगता था मैं पढ़ने में मीडियम था, बहुत अच्छा लड़का नहीं था, तो मुझे लगता था कोई पढ़ाई लिखाई कमजोर है इसलिए क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या करना क्या पड़ेगा इसके लिए। तो और चिंटू सर हमेशा आते थे बोलते थे लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का, जिंदगी में जो ख्वाहिश है वो पूरा करने का, ड्रीमर बनो, बड़े सपने देखो। मैं 10 रुपए प्लेट खाना खाता था और सपने देखने लगा मैं 100 रुपए प्लेट वाला खाऊंगा। वो हम लोग वो झोपड़ी छोटी छोटी झोपड़ी छोटे छोटे खोमचे लगते ना ठेले पे, वहाँ समोसे सिंघाड़ा ये सब खाया करते थे, वो 2-4-5 रुपए में निपटारा हो जाता था। सुबह बिग ड्रीम, बोले यस सर, बोले क्या क्या इच्छा है, अपनी बात बोलते थे, लाइफ में जो करो बड़ा करो, चाय भी पीना है बड़े होटल में पियो, कहते ना संगत से गुण आवत है और संगत से गुण जात है, मतलब साथ रहने से गुण आता है। वो 8-10 मीटिंग के बाद गुण आ गया मेरे अंदर, महंगा कपड़ा खरीदेंगे, अरे पैसा है नहीं खरीदेंगे कहां से, हाँ
बढ़िया होटल में खाएंगे। अब टेंशन, सर अभी मीटिंग में नहीं जाएंगे, क्यों? बढ़िया कपड़ा खरीदना, पैसा उधर खर्चा हो जाएगा। सर बोले लाइफ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का। रणवीर सर बोलते हैं मीटिंग में, सर सीनियर का बात मानते हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये ऑटो ऑटो में लद के नहीं जाएंगे हम, बोलते थे ये ऑटो ऑटो में लद के नहीं जाएंगे सर, वो भेड़िए के भेड़ों की तरफ ठूस के, ओ वैसे नहीं जाएंगे, तो बाइक खरीदूंगा तो जाऊंगा। सर बोले कॉम्प्रोमाइज, समझौता जिंदगी में नहीं करने का। वो बोलते थे मनीष जी ऐसा नहीं, क्या बात करते हैं सर, उसी दिन बोले हैं, नहीं कैसे बोले, सीनियर का बात मानेंगे हम, वो आपके भी वो सीनियर हैं। और यही चलता था मेरा। बाद में समझ में आया मेरा ड्रीम डिफरेंट बड़ा हो गया, बड़े रेस्टोरेंट में जाऊं, बड़े बड़े कार्ड दूं, नहीं बड़े कार्ड दूं लोगों को, लोगों को नहीं यार गर्लफ्रेंड को, सिंपल बात, पैसे कहां रहते तुम? अरे लो कोई नई बात सुन लिया क्या आपने? हाँ लो, इच्छा ही नहीं हुआ कभी क्या ऐसा? और वृद्धि सर बोलते थे एक थर्मामीटर डाल के चेक करो, फिर तो थर्मामीटर लगाना पड़ेगा। तो मतलब कुछ दिनों के बाद अजीब हो गया, पापा बोले बेटा आ जाओ घर आओ, बोले पापा थोड़ा 1000 रुपये भेजिए ना, बोले आने के लिए इतना पैसा, एसी से आना, बोले दिमाग खराब है, बाप कभी चढ़ा नहीं एसी पे, तू एसी पे चढ़ेगा? बोले सब तुम कौन सा धंधा कर रहा है, सब उसका असर है, छोड़ो एकदम तुरंत छोड़ो, सब बर्बाद हो जाएगा उस चक्कर में। पापा बोले वो सब छोड़ो तुरंत, उसी के चक्कर में दिमाग तुम्हारा खराब हो रखा है, घर आओ इलाज करते हैं, कंडीशन आएंगे तो एसी में, नहीं तो नहीं आएंगे। जब आपकी कमाई नहीं होगी आप कंडीशन रख सकते हैं, उधर से मनी ऑर्डर बंद हो गया, और मंथली रहने के लिए जो पैसा आता था बंद हो गया, वो लटक लटक के जनरल में विदाउट टिकट गए हम, और सब धुआं हो गया बड़े ड्रीम। और घर गए पूरा मेरे ऊपर तो भूत चढ़ा था, ड्यू सॉफ्ट का पिताजी ने उतार दिया, और तांत्रिक लोग नहीं देखते भूत झाड़ता है, और झाड़ दिया एकदम पूरी तरह से। क्या कमाया, क्या किया 4 महीने से, क्या कर रहा तू? अभी पैसे भेजना बंद कर दूंगा, तेरी सारी फैकड़ी निकल जाएगी, आगे घर में बैठेगा। मैं घर में नहीं बैठना चाहता था कि 5 बजे शाम में घर आ जाओ, अंधेरा होने तक बाहर नहीं रहो, टाइम से उठो टाइम से सो, पढ़ने बैठो टाइम से। अरे जिंदगी चाहता था अपने हिसाब से जी, आ जा 9 बजे उठने 9 बजे उठे, रात भर नहीं सोना रात भर नहीं सोए, अपने मर्जी से। वो घर लगता था घर, नहीं नहीं नहीं। फिर मैं घर में डिसाइड किया, पापा भी सही बोल रहे हैं, 4 महीना तो करके देखा कुछ हुआ, आया गया नहीं, और झूठ में पॉकेट से पैसा लगाया मेरा, एक तो ज्वाइनिंग लगा अलग से, और इतना टिकट इन लोगों ने कटवाया, और इतना किताबें खरीदवा दी, और मैं अपना अच्छा कपड़ा पहन के जाए, और ये लोग बोले थोड़ा और अच्छा कीजिए। अरे अच्छा कहां से करे, पैसा आने दीजिए सर, बहुत दिक्कत था। बोले मनीष जी थोड़ा और कपड़े को अच्छे से, अरे बोले सर का अच्छा मेरा कपड़ा देखेगा कि प्लान सुनेगा सर? बोले मनीष जी आपके कपड़ों से आपका बिजनेस, अरे सर बिजनेस अच्छा होगा तो कपड़ा अपने अच्छा हो जाएगा। ये चलता जा रहा था ऐसा। तो मैं घर गया, घर से इस बार आया ना सोच के ड्यूसअप नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा, क्या फायदा इससे, पढ़ाई करूंगा। आया फिर से हॉस्टल में रहा, कहते हैं ना भूत उतरता है किसी तरह से, वो तो फिर से चढ़ता है शाम होते। जैसे आया एक दो लोगों का हॉस्टल में पेमेंट आया हुआ दिख गया, कोई नहीं बोला कर छोड़, अगले दिन से फिर लग गया और शुरू। बाद में समझ में आई ये मीटिंग सेमिनार है क्या, मैं क्यों बोलता हूँ मीटिंग सेमिनार, बिजनेस यहीं से होता है। मैं बहुत परेशान रहा जब बिजनेस में किया, पहले 6 महीने बहुत परेशानी रहा, ड्यूसॉफ्ट के पहले ज्वाइन करने के पहले जितनी अच्छी जिंदगी थी, ज्वाइन करने के 6 महीने बाद 7 महीने 8 महीने बाद मैं बहुत परेशानियों से गया हूं। मैं खाने को मेरे पास पैसे नहीं रहते थे, मैं चाय पीने की आदत तक छोड़ दिया क्योंकि पैसे लगते थे, पैसे नहीं रहते थे, और दूर दूर ये बोल रहे थे ड्रीम बड़ा करो, मुझे लग रहा था मैं क्या कर रहा हूं, 4-4 किलोमीटर पैदल जाता हूं और गेस्ट के घर के सामने रिक्शा करता हूं कि कम पैसा लगे, दोनों दिखाना होता है यार, दोनों चीज करना होता है, मैं क्या कर रहा हूं।
चार महीने बहुत, चार पांच छह महीने बहुत परेशान रहा, बाद में समझ आया कि परेशान क्यों था, और सपने बड़े ये लोग कर रहे थे धीरे धीरे। होता क्या है, बंद डब्बे को जब नहीं खुलता है कैसे खोलते हैं आप, डब्बा बहुत जोर बहुत बंद है कैसे खोलेंगे आप, पटक पटक के पटक पटक के। पहला छह महीना यही होता है, खूब पटकते आर डी सॉफ्ट, यही होता है। होता क्या है, आप सुन तो लो। अरे यार बचपन की कहानी आपको बताता हूं। बचपन में जब एक हवाई जहाज आपके घर के बाजू से ऊपर से गुजरता है, आप दौड़ के बाहर निकलते हो और तब तक देखते हो जब तक आंखों से ओझल ना हो जाए, और दिल में ख्वाब होता है मैं भी बैठूंगा इस पे। नॉर्मल है, आपके भी हैं मेरे भी हैं, सबके थे बचपन में। और माँ बाप बोलते हैं हाँ बेटा ठीक है ठीक है, और क्या बोलते हैं, बड़ा होगा समझदार हो जाएगा। अभी बेवकूफ है ना, अभी बेवकूफ है, सोच रहा है क्या। देखिए एक आदमी बहुत अमीर था, बहुत रिच था, वो गया अपने बेटे को बर्थडे पे और खिलौने की दुकान में, बोला बेटा चलो खिलौने लेने, और जो खिलौना लेना है लो। बेटे ने देखा बहुत सारी, 8, 10, 20, 25, 50 हज़ार के खिलौने देखे, नहीं लिया। और बच्चा एक छोटा सा खिलौना पड़ा, पापा यही लेंगे। कितने की है, बोला 10 रुपये। नहीं बेटा ये अच्छा नहीं है। नहीं पापा यही लेंगे। बोला बेटा ये 10 रुपये। नहीं मैं यही लूंगा। बच्चा जीत कर गया। बाप बोला यार कुछ अच्छा ले ये 10 रुपये का। नहीं पापा यही लूंगा। बाप को लेना पड़ा, ले गया घर में, बोला बीबी को क्या लड़का है 10 रुपये का खिलौना पकड़ता है बाजार में जाता है, मेरी तो इंसल्ट करवा दी। बीबी क्या बोली, समझदार, बड़ा होगा समझदार हो जाएगा। और दूसरा एक कहानी सुनो आप। एक साधारण सा परिवार, एक गरीब परिवार से एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेके दुकान में गया और बोला सस्ते खिलौने दिखाना थोड़ा। वो सस्ता खिलौना दिखा रहा है, बच्चा वो खिलौना नहीं देख रहा है, और पापा वो बड़ा बड़ा हेलीकॉप्टर लेंगे। बोला नहीं बेटा वो अच्छा नहीं। नहीं वही लेंगे। बोला छोटा कोई है, बोला दिखा बेटा ये भी उसी तरह। नहीं पापा वही वाला लेंगे। बच्चा बोलता है ना, और जिद किया, रोने लगा, वहीं पे लेटने लगा वो बच्चा। और बाप बोला कितने का है, बोला 4,000 का। बोला बेटा, ओ सर पटकने लगा बच्चा, उसने लिया घर में लाया, बोला इस नालायक को संभाल कर रखो, बेवकूफ है, आधी तनख्वाह तो एक दिन के खिलौने में इसने बर्बाद कर दी मेरी, नालायक। उसकी वाइफ बोलती है बच्चा है ना बड़ा होगा समझ जाएगा। हाँ दुनिया देखो आप, जब कपड़े लेने जाते हैं पिताजी के साथ बचपन में, पापा वो बोला नहीं बेटा बड़ा महंगा है दूसरा ले लो, इतना महंगा क्या करेगा तू, तेज से पड़ रहा है ये कपड़ा छोटा पड़ जाएगा तेरा। हाँ मुझे याद है बचपन में बोलते थे पापा, बेटा तू बड़ा हो जाएगा कपड़ा छोटा हो जाएगा, जब बड़ा होगा ना तुम महंगे कपड़े पहनना, वो बहुत दिन तक चलेंगे लो। और फिर गुस्सा होते थे, बोलते थे अगर वही लेंगे, गुस्सा होते थे, और मम्मी बोलती थी बड़ा होगा समझदार होगा। और हकीकत में मैं बड़ा हुआ ना, वो महंगे टैग, उस वो दुकान बहुत महंगा है उसमें नहीं जाएंगे, मैं अपने आप कर लिया, किसी ने मुझे नहीं बोला, मैं खुद ब खुद समझदार हो गया। मैं गया बोला पापा यही वाला लेंगे, बेटा पसंद है, हाँ पापा यही ले लेंगे। और मेरे पापा क्या बोले, बेटा मेरा समझदार हो गया। नहीं हकीकत दुनिया ये है। होता क्या है, ये 10 और 15 सालों में हमारे सपनों को जो उड़ रहे थे आसमान में, धीरे धीरे निकाल को उस डब्बे में बंद इतने जोर से कर दिया गया था कि वो एक दिन में खुलेगा नहीं, वो एक दिन में नहीं खुलेगा। और ड्यू सॉफ्ट की आप 2, 4, 8, 10, 15, 20 मीटिंग देखो, और यहां पे आप 25-50 लोगों के बारे में सुनो, उनकी सीडी देखो, उनकी कहानियां पढ़ो, वो धीरे धीरे वो इतना गर्म होगा डब्बा, इतना गर्म होगा कि वो पूरा ढक्कन को फेंकेगा और आपके ख्वाब बाहर निकलेंगे। 6 महीने 1 साल परेशानी होगा, लेकिन एक बार निकल गए। एक बार जब आपके ख्वाब निकल गए, कहते ना इंसान का जब ख्वाब निकल गया बाहर तो लोग क्या बोले, हाँ जब मेरे ख्वाब निकल गए ड्यू सॉफ्ट में आके, और मैं दोस्तों को बोला नहीं यार ये ठेले पे मैं नहीं खाऊंगा, अच्छा जगह खाऊंगा, तो पागल हो गया क्या। मैं दोस्तों बोला यार यहाँ चाय नहीं पूंगा, अरे पागल है क्या यार, ये गाड़ी अच्छी नहीं है, एसी में टिकट, पागल है क्या, ये दिमाग खराब हो गया इसका। लोग ऐसे बोलते थे और लोग मजाक करते थे,
कल बोला ना सर ने, यहाँ रनवे सर ने, लोग बोलते थे करोड़पति जा रहा, देखो करोड़पति जा रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आता था, मुझे लगता था उसका टेटुआ दबा दूं हकीकत में। और उससे ज्यादा गुस्सा मुझे आ जाता है, आज लगता है उसी दिन उसका वोट करोड़पति बोला था कि टेटुआ दबा देता, करोड़पति बोला करोड़पति बन गया, उसको अरबपति बोलना चाहिए था, आज मैं अरबपति रहता। डिफरेंट यार, कहते हैं ना ड्यू साफ्ट के साथ रहोगे ना तो लोगों की बदुआएं भी लग जाएगी, वो बदुआ देता था करोड़पति बनेगा, ये लग गया देखो, सिंपल। तो आज भी उस पर गुस्सा आता है, क्योंकि मजाक में भी बोलता हूँ, दोस्त हैं कुछ, तो यार क्या उसने बोलता था करोड़पति, नहीं यार वो तो गलती था, अरे गलती आज भी है यार, तू अरबपति नहीं बोला था उस दिन मुझे। तो वो बेचैनी आपके अंदर एक साल रहेगा, और इसलिए ड्यू साफ्ट कहा जाता है, ये 6 महीने या 1 साल का नहीं, आपको कोई भी सीनियर जब भी आपके साथ बैठे काउंसलिंग करेंगे वो बोलेंगे ये बिजनेस 2 से 5 साल करो, 2 से 5 साल जम के करो, दुनिया की बातें मत सुनो, और 5 साल के बाद पीछे मुड़ो और कैलकुलेट करो करना है या नहीं, जवाब दुनिया देगा कि तू बेस्ट काम कर रहा है, यही तू करते जा। पर दिक्कत कहां है, दिक्कत कहां है, मैं हर दिन शाम में कैलकुलेट करता था, करूं कि छोड़ूं, करूं तो छोड़ूं, मैं हर दिन सोचता था, जिस दिन रिजल्ट नहीं निकलता लोगों ने टाइम दिया ना आज, और मैं सुबह सुबह जोश में उठा, आज तो 2 रिजल्ट का डेट है, और शाम होते होते पंचर हो जाता था, दोनों ने मना कर दिया, बोला पापा गुस्सा हो गए, ये हो गए, और शाम होते होते अपना भी गाड़ी बैक गियर में आने लगता, लगता है छोड़ना पड़ेगा, नहीं होगा लगता है क्या मेरे से, शाम होते होते। ये हर दिन की कहानी थी, हर बार सोचता था, और सीनियर जब मेरे से पूछते थे ना, बोलते थे मनीष जी क्या हो रहा है, अंदर बहुत मतलब अजीब लगता था, अच्छा भी लगता नहीं लगता था, और गुस्सा भी सीनियर पे भी आता था, अपने पे भी आता था, क्या कर रहा हूँ यार, और एक ही चीज़ सर को बोलता था, सर मेरा भी टाइम आएगा, सर को बोलता था सेमिनार में, आप कितने गेस्ट आए मनीष जी, चिंटू सर पूछे सेमिनार के बाद सर से मिलना होता था, मैं तो भागने के चक्कर में रहता था, सेमिनार खत्म होने से पहले भाग जाऊँ, वो मेरा सीनियर मुझे पकड़ा रहता था हमेशा, वो रणवीर जी पकड़े रहते थे, और दूसरा मेरे जूनियर तब तक बहुत अच्छे भागते थे, वो लोग नहीं भाग सर बैठिए ना, अब जूनियर नहीं भाग रहा कैसे भागूं, तो बैठे रहते थे लोग, तो सेमिनार के बाद सीनियर पूछते थे चिंटू जी और मनीष जी कितने गेस्ट थे, सर नहीं बस 2 लोग थे, क्यों नहीं पता था आपको, तो 1 महीने पहले बताया, नहीं सर बताए थे, सर कॉल किए थे, आता नहीं है सर, सर बहुत बोले थे, एकदम बोला था आएंगे, मनीष जी ऐसे नहीं होता है, उसके बाद वो बताते थे ऐसे कीजिए, मुझे मन में मैं सोचता था मेरा भी टाइम आएगा, ये चलता था मेरे साथ हमेशा, और ये घटनाएं चल रही थी मेरे साथ, तो ड्यू साफ्ट में मैं डेली सोचता था करूं और छोड़ूं, यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो मैं पहले 1 साल जो परेशान रहा, वो आप भी अगर नए हैं तो आपके साथ भी होगा, हो सकता किसी के साथ 8 महीने, किसी के साथ 16 महीने, फर्क ये एग्जैक्ट नहीं होता है, ये होगा सबके साथ होता है, पर हर दिन जब कैलकुलेट करेंगे ना तो वो हो जाएगी सब्जी की दुकान, कि डेली बेचो डेली जानो कितना बचत हुआ, ये बिजनेस वैसा नहीं है, ये बिजनेस है भैया, और इसको बिल्ड करना पड़ता है, इसको जमाना पड़ता है, ये फैक्ट्री है, ये इंडस्ट्री है, इसको डेवलप करना होगा, ये लॉटरी नहीं है, लिया मिलाया नंबर नहीं लगा फाड़ के फेंक दो, ऐसा नहीं है, ये 2 दिन किया नहीं हुआ छोड़ दो, अरे ऐसा नहीं है, ये बिजनेस है, इसको बिल्ड करना होता है, और बिजनेस को बिल्ड करने में 2 चीज लगता है, सबसे पहले इनिशियल जो आपको दिख रहा है वो आपका टाइम, उसको मेहनत कर लो, उसको मेहनत कहो आप, टाइम यानी मेहनत, ये आपको लगेगा देना होगा, और दूसरा इन्वेस्टमेंट, किसी भी बिजनेस को खड़ा करने में इन्वेस्टमेंट लगता है, वो डालना होता है, अभी तो सर ने बताया थोड़ी देर पहले, वृद्धि सर ने बताया ना कांटे से कांटे को निकालते हैं, हा? मैं तो और आगे बोलता हूँ जहर से जहर को काटते हैं, सांप काटेगा तो क्या होगा, फिर इंजेक्शन तो पॉइजन से ही बचने के लिए पॉइजन का दिया जाता है, और लोहे को कौन काटता है, लोह, सिंपल सी बात है, तो पैसे को कौन खींचेगा, पैसा, अरे आप तो जानकार हो यार, तो ये लगता है थोड़ा टाइम लगेगा, ये बिजनेस है, इसको बिल्ड करना होता है और समय देना होता है,
और धीरे धीरे ये चीज़ें करते गया। मुझे शुरू में सबसे प्रॉब्लम क्या था, मेरे पैसे नहीं आते थे और मेरे सीनियर के पैसे आते थे, और ये मेरा सबसे बड़ा टेंशन था। और मैं अभी जो वृद्धि सर ने बताया था ना थोड़ी देर पहले ग्लोबल वार्मिंग, मैं अक्सर परेशान रहता था, काम मैं करूं कमाए वो हा? मन में लगता था, काम मैं कर रहा हूं दौड़ मैं रहा हूं, और जब भी जाओ बोला सर कोई नहीं आया सर मेरे टीम से, कोई बात नहीं अगली बार आएगा कोशिश कीजिए लो, मन में ये चलता था। तो ये प्रोसेस बहुत दिनों से लगातार जब चल रहा था ये मेरे साथ, पर एक चीज था कि मेरे सीनियर कभी मेरे पे गुस्सा नहीं करते थे, क्योंकि एक चीज था ये मेरे को बहुत चढ़ा के रखते थे, अब मनीष जी आप एक दिन बहुत कीजिएगा, बहुत अच्छा कीजिएगा, क्योंकि गुस्सा जिस दिन करते, एक तो काम नहीं चल रहा, एक तो घर से डांट सुन रहा हूँ, एक तो पैसे नहीं आ रहे हैं घर से पैसे लग रहे हैं, और ऊपर से सीनियर झाड़ेगा तो मैं एक दिन नहीं रहता इस काम में, हकीकत बता रहा हूं, मैं एक दिन नहीं रहता इस बिजनेस में। मैं जितना फ्रस्ट्रेट होके आता था, मैं जितना निराश होकर मार्केट से आता था, मेरा सीनियर लगता था कि बैटरी था, मुझे चार्ज करना शुरू कर देता था, कोई बात नहीं मनीष जी होता है सबके साथ होता है। मैं बोला सर आज दो लोगों का डेट था, दोनों ने पेमेंट नहीं दिया, बोला अरे मुझे तो तीन लोगों ने डेट दिया था, तीनों ने नहीं दिया, क्या दिक्कत है। अजीब लगता था यार जो बोलो ये, मतलब ये तो हाजिर जवाबी वाली बात हो गई, चल रहा था ऐसे। कई गलतियां मैं सर को बोलता था, सर अब से गलती नहीं करेंगे, बोले मनीष जी ऐसा नहीं बोलते। हाँ क्या बोला गलती, बोला नहीं सर मैंने बोला कि अब से गलती नहीं करूंगा सर, कोई गलती नहीं करूंगा, बोले हाँ मनीष जी इसलिए तो मैं बोला ऐसा नहीं बोलते। लो क्या हुआ, अरे हाँ आप सही सुन रहे हैं, मैं बोलता था सर गलती अगली बार से कोई गलती नहीं होगी, बोले वो बोलते मनीष जी ऐसा नहीं बोलते। लो टीचर तो ये बोलता था कि अगली बार से गलती नहीं ना होगा, नहीं सर नहीं होगा, ये कैसा टीचर मेरा, बोलता ऐसा नहीं बोलते, बोले क्यों बाद में समझ में आ जाएगी, बोले बाद में समझ में आ जाएगी। हर पनिशमेंट के लिए मुर्गा बना हूं मैं, स्कूल के बाहर क्लासरूम के बाहर मुर्गा, यहां कभी ऐसा नहीं हुआ। और मजे की बात कि गलती करते गए और लोग उसके बाद भी अप्रिशिएट करते थे, और उन्हीं के अप्रिशिएट करने के कारण धीरे धीरे वो गलतियां मेरी खत्म हो गई। और 6-8 महीने लगते हैं, मुझे लगे थे 7-8 महीने मुझे लगे थे, और उसके बाद बिजनेस करना आ गया। फिर बिजनेस करने लगा, पहले प्लान से भागता था, सर प्लान नहीं होगा सर, अरे क्यों नहीं होगा सर, प्लीज सर आप कर दो, मेरा रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा सर, रिजल्ट का बहुत चिंता रहता था मुझे। मैं बोला मैं तो पैसे पकड़ता था, मुझे लगता था एक आदमी गया मेरा पैसा गया, बोला सर गड़बड़ हो जाएगा सर अगली बार से करूंगा, बोले नहीं मनीष जी आप ही करो। बाद में धीरे धीरे समझ में आ गया कितने अच्छे से मेरे साथ ट्रीटमेंट किया गया, कितने अच्छे से, मैं इसलिए यहां आज नहीं हूं क्योंकि मुझे उम्मीद था कि मैं यहां पहुंचूंगा, मैं इसलिए यहां नहीं हूं, मैं इतना अच्छा करूंगा ये तो एक साल बाद मुझे उम्मीद हुआ, पर जिस दिन मैं ज्वाइन किया था उस दिन से मेरे अपलाइन को उम्मीद था कि मैं यहां पहुंचूंगा और इसीलिए आज यहां हूं। मैं जिस दिन से ज्वाइन किया उस दिन से दोनों लेग में एक एक लीडर ढूंढना शुरू कर दिया। मैं जिस दिन से ज्वाइन किया उस दिन से दोनों लेग में एक एक लीडर ढूंढना शुरू कर दिया, क्यों मेरा टेंशन खत्म हो जाए, वो लोग करेगा आराम से पैसा कमाएंगे। मैं जिस दिन से ज्वाइन किया एक लीडर ढूंढना शुरू किया, और मुझे अपने किसी डाउनलाइन में लीडर नहीं दिखता था, सब गलती करता था। मैं जिस दिन से ज्वाइन किया उस दिन से मैं अपने दोनों लेग में एक एक लीडर ढूंढना शुरू किया, और इसके उल्टा आप देखिए, मैं जिस दिन से ज्वाइन किया मेरा अपलाइन मुझे लीडर मानना शुरू किया। ये बिजनेस ये है, तो बिजनेस जो बिल्ड होगा वो आप क्या ट्रीटमेंट अपने टीम के साथ करते हैं, आप कैसे अपनी टीम के साथ रहते हैं, क्या सिखाते हैं, क्या बात करते हैं, कितनी बार उनकी हिम्मत को बढ़ाते हैं, इसके ऊपर बिजनेस होगा। बिजनेस इस पर नहीं होगा कि तुम्हारा कोई गेस्ट नहीं आएगा ऐसा काम कैसे चलेगा, इस पर बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस इस पर होगा कोई बात नहीं यार मेरे भी कई बार गेस्ट नहीं आए थे और फिर भी आज मैं करोड़ रुपये कमाया हूँ, तुम भी उसी लाइन पर हो यार तुम्हारे भी गेस्ट नहीं आ रहे हैं और 2-4 बार नहीं आएंगे तू भी करोड़पति बन जाएगा, सिंपल सी बात है।
बिजनेस इस लाइन पे चलेगा। मैं जब ज्वाइन किया तो मैं क्या सोचता था कि मेरे टीम का पैसा खर्च होता है मीटिंग सेमिनार में। मैं तो अपने डाउनलाइन को बोलना शुरू कर दिया था, क्या क्यों जाते हो मीटिंग में, जाके रिजल्ट निकालो। मैं डाउनलाइन को बोलता था मीटिंग में क्या करेगा जाके, पिछले मीटिंग में था ना। हाँ सर, फिर वही बात तो होगा, रिजल्ट निकाल जा। और डाउनलाइन को बोलता था कोई जो प्रॉब्लम हो मेरे से आके बात करो। उस समय फोन नहीं था, तो फोन मेरे पास भी नहीं था और डाउनलाइन के पास भी नहीं रहता था। मैं बोला जो प्रॉब्लम हो मेरे से बात करो, मेरे अपलाइन के पास नहीं जाना है तेरे को, तू मेरा टीम में है। थोड़ा अपने को लगता था कि थोड़ा मिलता है रिगार्ड मेरा टीम में। तो बोलता था उसको जो प्रॉब्लम मेरे से आना। मैं तो डाउनलाइन को सेमिनार में बैठे हुए, बोला सर क्या करे सर, आज तो डेट दिया सर, आज पेमेंट के लिए बुलाया है, तो आज तो सर ट्रेनिंग भी है। ट्रेनिंग है तो क्या, जब तुम ट्रेनिंग हम तुमको बता देंगे बाद में, तो पेमेंट लेके आ जा। और मैं मेहनत कर रहा था और मेरी टीम धीरे धीरे मर रही थी। मैं खूब मेहनत कर रहा था, वही हंस रहे हैं वहां पे, उसके पीछे रीजन है, वहां जो बैठा है मेरा डाउनलाइन एक बार मेरा बात नहीं माना, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे पता नहीं चला। पता चलता तो मैं उसी दिन झगड़ा कर लेता उसको, उसको वहीं डेट कर देता झगड़ा करके। मुझे पता ही नहीं चला कैसे मेरे अपलाइन से जाके बात करता था। मैं बोलता था ट्रेनिंग में रिजल्ट निकालने जाओ, उसको पता था कि मैं खुद नहीं जा रहा हूं ट्रेनिंग में, लेकिन वो चला जाता था ट्रेनिंग में। और मैं अपने डाउनलाइन को समझाता था कि देख काम तो पेमेंट निकालना है, बोलने वाली बात तो तू भी बोल लेगा, किताबों में लिखी है पढ़ लेना, कौन सी नहीं बात है, प्लान ही तो देना है, फॉलो भी तो करना है, रिजल्ट निकालेगा तुझे सब जानेंगे, रिजल्ट नहीं निकालेगा तो क्या करेगा सेमिनार में जाके। और जितने लोगों को मैं, मेरे दो लेख थे, तो जो मेरा अच्छा लेख चल रहा था उसमें मैं ऐसा ट्रेनिंग देता था और बोलता था ये तो पेमेंट निकाल रहा है। 8-10 महीने होते होते पूरे लेख को मार दिया मैं। और जो लेख मेरा बात नहीं मान रहा था, जो लोग नहीं बात मान रहा था उसको बोलता था, वो थोड़ा स्लो था, मैं उसको बोलता था तू लोग बात ही नहीं सुनता यार, देख वो लिख 8 महीने बाद वो दिखा दिया मुझे, वो छोटा हो गया ये बड़ा हो गया। उसकी टीम चलने लगी, उसके डाउनलाइन के नीचे बिजनेस चलने लगा, उसके 2-3-4-5 डेप्थ में जाके लोग प्लान सीख गए। मुझे अंदर से गुस्सा भी आता था कि मुझे प्लान के लिए नहीं बुलाता है, थोड़ा सा लगता है ना आया सीनियर प्लान करना। और मेरा दूसरा लेख जहां पे मैं ट्रेनिंग के लिए किसी को भेजता नहीं था, वो हर कोई सर चलिए ना आप प्लान दीजिएगा ना सर, तो एकदम ज्वाइनिंग हो जाएगा। और जैसे बोलता था हाँ ठीक है अभी समय नहीं है थोड़ा बहुत बिजी, मतलब लगता था यार वैल्यू है कुछ, यही चलता था। और जब भी प्लान देने जाता था प्लान देता था शानदार, जो जुनून में पूरा रहता था, और प्लान दिया और उसके बाद बाहर निकला डाउनलाइन से पूछा ऐसे प्लान देता है, बोला नहीं नहीं सर ऐसे, कैसे रिजल्ट निकलेगा ऐसे प्रैक्टिस कर। 10-15 दिन के बाद फिर डाउनलाइन बोला सर एक दिन का समय, यार समय का बहुत दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं रहता, काम ही नहीं चल रहा था क्या दिक्कत होता, तो डाउनलाइन यार बहुत दिक्कत है अभी समय का, नहीं सर प्लीज सर दीजिए ना, आपके जाने से बहुत अच्छा इफेक्ट आया था सर, चलिए एक दिन के लिए। फिर गया मैं उसके साथ एक जगह प्लान देने, गया प्लान दिया एकदम शानदार तरीके से, और बाहर आया और उससे पूछा इस तरह से प्लान देता है, बोला नहीं नहीं सर, बोले अरे ऐसे दे, बोला नहीं सर मैं तो 15 दिन से जो आप पिछली बार प्लान दिए थे उस तरह से दे रहा था। मैं बोला अरे ऐसे प्लान होता है, मैं जब जाता था ना तो नए तरीके से प्लान देता था, मेरा माइंड क्या बोलता था ऐसा प्लान दे जो डाउनलाइन नहीं दे सकता है, ऐसा प्लान दे जो डाउनलाइन नहीं दे सकता है, क्यों तभी मेरा क्रेज रहेगा, तभी मुझे ढूंढेगा, मेरा मन ये बोलता था। बात भी सही था, हर बार बदल देता था लाइन लेंथ, हर बार डाय बैंक कर देता था उनका मैं, वो परेशान बेचारे रहते थे 15 दिन मेरा ये प्रैक्टिस करते थे 15 दिन वो, मैं बोलता था वो पेज ले लेना उस पर प्रैक्टिस करना, फिर 1 महीने बाद मिलता बोला सर यही पेज पे तो कर रहे थे, बोले नहीं अभी ऐसे कर, वो बेचारा परेशान। बाकी पूरी ड्यूसॉफ्ट में बाकी सारे लोग जो टीमें चल रही थी वो एक जैसा प्लान देता था। बाद में मुझे समझाया गया, आनंद सर ने समझाया, मनीष जी ऐसे नहीं होता बिजनेस, बोले सर देखिए इसी से होता है, बोले नहीं होता है मनीष जी नीचे वाला करना आना चाहिए प्लान, बोले मैं क्या करूँ सर सीखता ही नहीं, इतना तो सिखाते उसको,
बोले जब जाते हैं तब एक नया तरीके से उसको सिखा के आते हैं, कोई तरीका नहीं फॉलो कर रहा है। बोले क्या बोले? मैं बोला जब जाता हूँ सर एक नया तरीके से सिखा के आता हूँ मैं प्लान। बोले कैसे सीखेगा? बोले क्यों सर? बोले सर अरे दिमाग नहीं है सर, 8-10 तरीके से तो सिखाया हूँ पिछले 5 महीने में उनको, 8-10 तरीके से एक कोई नहीं सीख रहा है। बोले मनीष जी एक तरीका सिखाइए ना, एकदम ऐसा दीजिए कि वो भी तुरंत करने लगे। मैं बोला सर वो भी एकदम एक दिन में करने लगेगा मेरे जैसा, तो फिर अपना वैल्यू क्या रहेगा? सर बोले वैल्यू बनाना है कि पैसा बनाना है? मुझे तो प्यार विटामिन एम से था। मैं बोला सर पैसा बनाना है सर। बोले टीम से वैल्यू बनेगा। तो एक चीज ये हमेशा ध्यान रखिएगा, प्लान एकदम सेम चलना चाहिए, एक जैसा चलना चाहिए। बातचीत अलग अलग शुरू हो सकता है पर प्लान एक जैसा, प्लान में फुल जोश जुनून पैशन होना चाहिए और उससे प्लान चलता है। बिजनेस जब हम लोग करते थे तो बहुत सारे रिमोट एरियाज में भी जाके बिजनेस करते थे, बहुत सारे छोटे छोटे कस्बे थे वहां पे करते थे हम लोग। कुछ ऐसे लोग थे जो कोई काम नहीं करते थे, दिन भर ताश के पत्ते खेलते थे, उनको भी जाके प्लान बताना होता था। अपॉइंटमेंट सिखाया गया ना? अपॉइंटमेंट सिखाया गया है या नहीं? हमें भी सिखाया गया था, हम भी गए। बोले भैया थोड़ा अपॉइंट, आपका समय चाहिए था, बहुत कीमती है आपका समय, थोड़ा आपका कीमती समय में से सिर्फ 1 घंटा चाहिए। मुझे देखा इसे हुआ क्या है? वो बोला क्या कोई दिक्कत तेरे को? बोला नहीं यार तुम्हारा कीमती समय में से बस 1 घंटा चाहिए। बोला भागता है या नहीं भागता है? बोले क्या हुआ? बोला मजाक करना छोड़, हाथ पैर तोड़ दूंगा मार के। मेरे जान पहचान में लोग थे, मोहल्ले के लोग थे, तो बोले उनको मजाक लग गया, उनको हर्ट कर गया उनके ईगो को, खाली रहते थे। लेकिन सिखाया क्या गया था? अपॉइंटमेंट लेके जाना है। हर मीटिंग में बोला जाता था कॉमन सेंस बेटा यूज करना, पर अपना तो बाद में समझ में आया अरे अपॉइंटमेंट लेना जरूरी है। कल रणवीर सर ने बताया रीजन क्या है, सामने वाले को सुनने के लिए उत्सुक करना है, एक्साइटेड करना है, जो प्लान देने आ रहा है उसका थोड़ा एडिफिकेशन करना है। एडिफिकेशन से याद आया मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसी से था। सीनियर बोलते थे जाके कि जाइए और बात कीजिए मेरे बारे में, उससे बात कीजिए, थोड़ा सबसे खराब मुझे लगता था। अरे अपनी तारीफ में कर सकता हूं, आपकी तारीफ मैं अंदर से बहुत दिक्कत होता था सीनियर की तारीफ करने में। मुझे अपनी तारीफ बोलो, मैं तो अभी भी बोलो अपनी खासियत में 2-4 घंटे बोल सकता हूं आपको, वो नॉर्मल चीज है। तो सर बोलते जाइए बोलिए, बोलना पड़ता था। दिल में यही था कि मेरा डाउनलाइन भी बोलेगा ना मेरे बारे में एक दिन, बाद में तो बिजनेस समझाया के। तो अपॉइंटमेंट का डिफरेंट वे होता है, सामने वाले व्यक्ति से आप अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, किस तरह से लेते हैं, अलग अलग माहौल होता है। बाद में मैं क्या करता था, मैं अपने किसी दोस्त के पास जा रहा हूँ, वो पता है वो घर में रह रहा है इस समय, मैं अपॉइंटमेंट उससे लिया नहीं हूँ, अपने सीनियर को, उसके मेरे पास बाइक था नहीं, तो सीनियर के चिंटू सर के पास बाइक था, उनके बाइक पे बैठता था और सर चलिए, ओ सर बोले अपॉइंटमेंट ले लिए? बोला हाँ सर ले लिया हूँ, आप चलिए ना। मैं एकदम 100% श्योर रहता था कि वो इस समय घर में होगा, अपॉइंटमेंट नहीं भी लिया था फिर भी ये श्योर है कि वो घर में होगा। मैं क्या बोला सर 2 मिनट रुक जाइए, बस 2 मिनट रुक जाइए, मैं अंदर से आ रहा हूँ, अरेंजमेंट थोड़ा करके मैं अंदर जाता था। बोला अरे यार अब है ना? बोला क्या हुआ कोई दिक्कत? बोला यार दिक्कत नहीं यार, मैं तेरे बारे में इतना अपने सीनियर को बताया, इतना बताया और इधर से जा रहे थे, मैं इतना जिद कर दिया उनको कि सर प्लीज मिल के चलिए मेरे दोस्त से। वो आ गए, वो बाहर आ गए हैं। बोला कौन? अब अरे कौन, पहले चेयर वगैरह ठीक कर, रुक सर मैं उनको लेके आ रहा हूँ। अब वो परेशान कि आया कौन भाई? बोला कौन? बोला यार तू, बोला मैं जाने, अरे तू जाने वाला, मैं इतना मुश्किल से इधर से जा रहे थे, किसी तरह 1 मिनट का समय लिया हूँ। उसको बोला कुर्सी उसे ठीक कर मैं आ रहा हूँ, और भागा तुरंत निकल के बाहर। बोला सर अरेंजमेंट हो रहा है, बस वो अरेंज कर रहा है सर, उसका नाम ये है, ये करता है, ये करता है सर। अच्छा उसके सर के उसके बारे में सब बता दिया। सर अंदर गए, सीनियर सब मेरे बहुत एक्सपर्ट थे और ज़्यादा थे, हाथ मिलाते बोलते क्या बात है जी, आपके बारे में तो मनीष जी ने बहुत तारीफ की, और मुझसे रहा नहीं गया इसलिए मैं जा रहा था इधर से, मैं यहाँ आ गया। उसको लगा थोड़ी देर पहले मैं यही बोला था ना, हाँ लगा हाँ यार। अब वो सुना कि उसकी बहुत तारीफ हुई है, अरे बहुत अच्छा मेरे दोस्त है, अच्छा 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 अच्छा। फिर मेरी दोस्ती पर थोड़ी देर बात किए वो, फिर बोले उनको, फिर थोड़ा सा उनको
सीनियर मेरे बहुत एक्सपर्ट थे, वो बोले वो मनीष जी बोल रहे थे आप नए नए चीज़ों को जानना चाहते हैं, आप कुछ नया करना चाहते हैं, आप लाइफ बेहतर बनाना चाहते हैं। कोई बोलेगा नहीं हम लाइफ बेहतर नहीं करना चाहते हैं। वो ऐसे ही पूछते थे, बोले हाँ सर। और इन्होंने तो मुझे ज़बरदस्ती पकड़ गया और इतना आपके बारे में बताया कि मैं भी एक्साइटेड हो गया आपसे मिलने के लिए, और एक ज़बरदस्त प्लान है। उसके बाद प्लान सो हो गया। वो इसको कहते हैं चट मंगनी पट। तो कोई जरूरी नहीं है, अपॉइंटमेंट कॉमन सेंस की बात है। ये कहीं ये लिखा हुआ नहीं है कि जो आदमी दिन भर बेकार घर में बैठा है उसके लिए 4 दिन पहले से अपॉइंटमेंट लेके रखिए। आप उसको फॉलो कीजिए और जानिए वो किस वक्त है। इंस्टेंट उसका एक स्टेज है जो उसके माइंड को प्रिपेयर कर दे। वो माइंड प्रिपेयर हो गया वही स्टेज है अपॉइंटमेंट। वो जब एक्साइटेड हो गया उसमें आपको 2 दिन लग गया, 200 साल लग गया, या 2 घंटे लगे, या 2 मिनट। इंपॉर्टेंट ये है कि क्यों लेते हैं, राइट फ्रेंड। तो वो इंस्टेंट होता है। हमारे गांव देहात में मैं 10 किलोमीटर जाके अपॉइंटमेंट लेके आऊं, 150 रुपया खर्चा हो गया मेरा। अगले दिन गया, मैं सही बोल रहा हूं, मैं कितनी बार गांव से अपॉइंटमेंट लेके आता था, अगली बार जाता था वो बोला कहीं काम से चला गया। लो उसको क्या पता अपॉइंटमेंट का वैल्यू क्या है। और सीनियर मुझे बोलते मनीष जी अपॉइंटमेंट नहीं सर लिए थे, ठीक से नहीं लिए होंगे मनीष जी, इसको ऐसे कीजिएगा वैसे कीजिएगा। गलती वहां थी, वो सामने वाले को नहीं पता, उसको वहीं घेरो यार, वहीं दबोचो उसको। हाँ क्या, तो ये हाँ ऐसा ही करना पड़ता है यार, करना पड़ता है। और सीनियर बार बार बोलते थे कपड़े कपड़े कपड़े, ड्रेस अच्छा करो। मैं उनको मेरा एक, मैं जब ज्वाइन किया था 8-10 महीने तो बोलता था सर कंपनी सर, जब भी आनंद सर आते थे एक चीज में बोलता था सर कंपनी से ये वाला कहिए ना ऐसे कर देना तो काम बहुत अच्छा चलेगा। हर बार मैं सजेशन लिख के देता था सर कंपनी को ये कहा जाए ना तो काम अच्छा चलेगा। 8-10 बार जब मैं लिख के दिया तो सर बोले मनीष जी आप ही MD बन जाइए ना। अरे कंपनी क्या करके देगा तब अच्छा चलेगा ये आप मत बताइए, कंपनी जो दिया उसमें बाकी लोग अच्छा कर रहा है, आप भी अच्छा कर जाइए, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो मुझे हमेशा ये सीखा सर वो कंपनी आया वो ऐसे दे रहा है, सर वो ऐसा कर रहा है। बोले मनीष जी आपको अपना प्लान कम दूसरा का प्लान ज्यादा पता होता है। बोले थे ये आपके, मेरे सीनियर बहुत अच्छे थे, बोले थे ये आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, इसको कहते हैं भिंगा के देना। तो ये वो बोलते थे हमेशा कि ये आपकी अच्छी क्वालिटी है, क्या आप अपनी कंपनी से ज्यादा दूसरी कंपनी के बारे में जानते हैं। मुझे तो समझ में आता ही था क्या बोल रहे हैं। और धीरे धीरे तो ये आदतें धीरे धीरे खत्म हो गई मेरे। मुझे हमेशा दूसरा कंपनी का कुछ नया प्रोग्राम अच्छा लगता था, कुछ नई चीज़ अच्छी लगती थी, और अपनी कंपनी में सारी कमी नजर आती थी। वो बोलते थे कि एक बार मुझे समझाया सर ने, एक बार समझाया कि मनीष जी आप में 10 कमी, क्या माँ बाप आपको छोड़ के दूसरा बच्चा गोद ले लेंगे। नहीं सर ऐसे कैसे होगा, तो क्या करना चाहिए। बोले मुझे ही अच्छा करना चाहिए। बोले बस आप भी वही कीजिए, टीम को अच्छा कीजिए। तो ये चलता था, ये सारी चीजें हैं, राइट फ्रेंड। फिर बार बार मुझे बोलते थे वो किट, वो टूल्स रखिए, वो बुक रखिए, वो ब्रोशर रखिए, अपना साइट का फोटोकॉपी प्रिंट निकाल के, हम लोग कलर प्रिंट निकाल के रखते थे। उस समय बहुत सारे मटेरियल थे नहीं ड्यूसॉफ्ट के, तो उसका फोटोकॉपी प्रिंट आउट निकाल के रखते थे। एक एक कलर पेज 20 पेज का आता था, और इन लोगों ने मेरा 400 रुपये उसमें खर्च करवाया था। मैं बोला सर ब्लैक एंड व्हाइट से नहीं चलेगा सर, वही चीज़ है। बोले मनीष जी अरे कलर का जमाना है, ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा लगेगा। वो कलर मुझे खरीदवाए थे। तो उन्होंने, मैं उनको जब बहुत बोलता था तो वो बोले मनीष जी MR को जानते हैं, MR मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। हाँ ठीक है। वो बोले कि मनीष जी आप कभी उसके बारे में सुने हैं। हम लोग हाँ सर जानते हैं, बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो ये काम करते हैं। बोले क्या होता है उसमें, कैसे नौकरी होता है। बोले सर उसमें तो कंपटीशन होता है, इंटरव्यू देना होता है, फिर सेलेक्ट होता है, फिर उनकी ट्रेनिंग होती है, सब कुछ होता है, फिर जाके फिर वो दवा बेचते हैं। बोले वो कैसे रहते हैं। बोले सर वो तो जूता होता, टाई सब पहन के रहता है। बोला कि उसके टाई पहनने से, उसके फुल पैंट शर्ट टाई पहन रहा है, उससे अच्छा वो गंजी पाजामा हवाई चप्पल पहने और डॉक्टर से मिले, दवा बदल जाएगी क्या, दवा की क्वालिटी बदल जाएगी क्या। हाँ वो बोले वो अपने MR पे इतना खर्च करता है, वो उसका ट्रेनिंग करता है। अरे उसका ट्रेनिंग पे खर्च क्यों कर रहा है,
दवा उसके ट्रेनिंग से चेंज हो जाएगी कि दवा की क्वालिटी, मेडिसिन की क्वालिटी चेंज करेगी? अरे नहीं, वो तो वही रहेगा। वो बोले कि दुनिया में सब कोई जानता है कि किसी भी चीज को बेचने से पहले बेचने वाला बिकता है, उसकी पर्सनालिटी बिकती है उसका। किसी प्रोडक्ट को जब आप सेल कर रहे हो, आप जब किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, उससे पहले आप अपनी पर्सनालिटी को सेल कर रहे हो। और इसीलिए डेवलपमेंट, सर ने मुझे समझाया, डेवलपमेंट आप बार बार जो कंपनी पे जाते हैं, अपने को डेवलप कीजिए, बदलिए। फिर समझ में आया कि हाँ, बात में तो दम है। वो बोले कि जब आप लोगों को बोलते हैं ना, और बोलता है हाँ ड्यूसअप करेंगे, वो ये नहीं बोलता है कि ड्यूसअप करेंगे, वो बोलता है आपके साथ करेंगे। और जब वो बोलता है ड्यूसअप नहीं करेंगे, तो वो ये नहीं बोलता कि ड्यूसअप नहीं करेंगे, वो बोलता है आपके साथ नहीं करेंगे। फर्क है। ड्यूसअप कोई भी व्यक्ति बाद में ड्यूसअप को समझता है। वो बोला कि, उन्होंने मुझे बोला कि आप ड्राफ्ट देने के पहले क्या दिल्ली ऑफिस गए, कंपनी को देखा? मैं बोला नहीं सर। तो क्यों ज्वाइन किए? बोले सर, सर का नाम लिया कि सर वो दिखाए मुझे, वो बताए, उन पे विश्वास करके आ गए। बोले बस सिंपल यही चीज है, कंपनी को लोग बाद में देखते हैं, पहले आपको देखते हैं। इसलिए मैक्सिमम डेवलपमेंट की कोशिश किसकी करनी चाहिए? सेल्फ की। प्लान, जोश, जुनून के साथ। और प्लान होना चाहिए लगातार, बार बार। उन्होंने मुझे बताया कि मनीष जी, एक बड़ा सा चट्टान है और उसे हथौड़े से तोड़ना है। आप आए, एक बार आपके टीम से कोई लड़का आया और दो हथौड़ा मारा, वो नहीं टूटा। दूसरा लड़का आया, वो दो हथौड़ा मारा, नहीं टूटा। तीसरा आया, दो हथौड़ा मारा, नहीं टूटा। चौथा, आठ दस लड़के आए और दो दो हथौड़े मारे और नहीं टूटा। और आप लास्ट में आए और एक हथौड़ा मारा, टूट गया। आप तोड़ दिए क्या उसको? नहीं। कौन तोड़ा? वो सारे लोग मिलके तोड़े। वो बोले यही बिजनेस है कि एक आदमी को प्लान देंगे, बिजनेस नहीं चलेगा। बार बार जाइए, बार बार प्लान कीजिए, एक को कीजिए, दो को कीजिए, तीन को कीजिए, चार को कीजिए, ये कहीं ना कहीं ब्रेक होगा। आपको वो काउंट नहीं करना है, कभी कोई तोड़ने वाला हाथ, कभी भी कोई चट्टान को तोड़ने वाला वो काउंट करता है कितना हथौड़ा मारा? वो ये काउंट करता है कब टूट रहा है, क्या देखना है। कभी कोई खान से सोना निकालने वाला ये कैलकुलेट किया कि कितना टन मिट्टी निकाले? वो ये कैलकुलेट करता है कितना टन सोना निकाले। तो उद्देश्य पे आपका फोकस होना चाहिए। और इसके आगे कल की कहानी याद है, घूंघट उठाने वाली? हाँ, याद है या नहीं? उसके आगे की कहानी बताऊं? हाँ, घूंघट उठाने की आगे की कहानी जानना चाहते हैं? अरे बहुत एक्साइटेड है भैया। अरे भैया, एक और चीज याद रखो, जब शादी ब्याह का अपॉइंटमेंट लेते हैं ना, तो अपॉइंटमेंट के बाद क्या करते हैं? लास्ट में निकाल के ब्रोशर रखते हैं, लड़के या लड़की की फोटोग्राफ, लड़के या लड़की का फोटोग्राफ, ब्रोशर है ना अपना, अपना मैगजीन, हाँ, अपना प्रोडक्ट बुक, उसको दिखाना होता है यार। देन फॉलोअप की बारी आती है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे से तो आज तक एक ऐसा लड़का नहीं मिला मुझे जो मुझे ढूंढ के आया और मुझे पेमेंट दिया हो। मुझे जितने लोग मिले उनको मुझे 8-10 बार फॉलोअप करना पड़ा, तभी वो ज्वाइन किए। और आपको भी ऐसा ही होगा, एक बार में नहीं होता ऐसे। फॉलोअप मस्ट है इस बिजनेस में। सेमिनार में, मीटिंग में जब हम लोग जाते हैं, सेमिनार में जाते हैं और सेमिनार से जब रिटर्न होते हैं, सर बोलते थे, समझाते थे कैसे बात करना है, सेमिनार के बाद क्या बात कीजिएगा, सेमिनार के बाद कैसे, सेमिनार खत्म हुआ लोग भागने लगे। मैं अपने टीम को बाद में रोकता था, यार सर से मिले, बहुत लेट हो गया सर, आप तो बोले थे 4 बजे, 5 बज गया, घर जाना है। बोले अरे यार, 1 मिनट, किस्मत बदल जाएगी, सर से मिलवा दूंगा। नहीं यार, वो नहीं रुका तो उसको बोला मेरे दोस्ती की कसम रुक। उद्देश्य क्या है? उसको सर से एक बार मिलवाए, किसी ना किसी अपने सीनियर से मिलवाए और उसको बुलवाए, उसकी चीजों को समझे कि वो क्या पूछता है, क्या बात करता है सर, उसको मोटिवेट किए, प्रेरित किए। और उसके बाद फिर उसके साथ वापस हो रहे हैं, और जैसे उसके साथ वापस हुए, पूछे कब पेमेंट दे रहा है, ज्वाइन कर बहुत अच्छा है, ऐसे है वैसे। वो तो 4 घंटा सेमिनार देख के निकला, और 4 घंटा अगर जाने में उसको समय लग रहा है, तो आप पकड़े हुए, वो तो पक गया बेचारा। उसको छोड़ो, फ्री छोड़ो, जाने दो, बातें करने दो। 4-5 लोग दोस्त हैं, जा रहे हैं, 4-5 बात कर रहे हैं, सुनते जाओ कौन क्या बात कर रहा है। करीना कपूर, कैटरीना कैफ किसके बारे में बात कर रहा है, सुनो
और मजे लो, बातें करो और लास्ट में बोलो यार कितना मजा है कि फ्लाइट में तुम भी हो और कैटरीना कैफ भी हो। मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, मैं आपका वो चेंज होगा। आप बताओ, सर लोग जाते हैं ना तो बड़े बड़े स्टार होते हैं साथ में फ्लाइट में। हाँ, फिर बात घुमा के ले आओ, कहाँ आपको घुमा के तो लाना है ड्यूस ऑफ पे, रिलैक्स तो उसको घुमाओ। तो सर लोग जाते हैं तो ये होते हैं यार। हाँ फिर, हाँ कैटरीना कैफ के नाम पे तो आँख कान सारे खड़े हो जाते हैं। वो पूछेगा ये फॉलोअप, आप जब वहां से निकल रहे हो लगातार सेमिनार के बाद उसको पेनिट्रेट करोगे, वो तो मुश्किल में आ जाएगा, वो तो उब जाएगा। आप उसको फ्री छोड़ो, उसका रिएक्शन जानो और उसके घर आने के पहले उससे बातें करो ऐसे, उस वो व्यक्ति जैसा है, जैसे दिखता है, जो व्यवहार है, जो फैमिली कंडीशन है, आप पता करो सेमिनार में अगर कोई आया है और उसका वैसा है, या आपके अप्लायंस में से किसी का है या ड्यूस ऑफ में किसी का है, वो जाते वक्त उसको वो कहानी बताओ, अरे इन सर से मिले ना, एक सर ऐसे हैं, बता दो उसको, उसके दिमाग में वो चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। और उसको बोलो जिनके बारे में बताए ना, कल मैं आके आपको उनके बारे में दिखाऊंगा, उनका मैगजीन में फोटो दिखाऊंगा, देखिएगा। क्या बोलेगा? नहीं देखेंगे, कल का तो अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया, मैगजीन में फोटो दिखाने के लिए बुला रहा है वो। फॉलोअप, एक बार जब फॉलोअप करो, जब वहां से चलने लगो दूसरी फॉलोअप की तैयारी वहीं पे कर लो, फिर हाथ में कुछ ब्रोचर, कुछ मैगजीन कुछ पकड़ाओ। तीसरी बार चलो, अरे मैं एक बार एक लड़के को बोला, उसको सीडी देके तीसरे फॉलोअप में, सर तीसरे फॉलोअप में क्या करेंगे, मैं बोला सीडी दे देना उसको। बोला सर उसका गांव में सर करंट नहीं है, लाइट नहीं है सर, तो सीडी देखेगा कैसे। हम बोले ये तेरा प्रॉब्लम है कि उसका प्रॉब्लम है। बोला ये तो उसका। फिर बोले तू देख देखना। दूसरे दिन दौड़ा दौड़ा आया, सर उसको सीडी दिया, सीडी ले लिया, अब देखेगा कैसे। हमने तो इसलिए क्यों परेशान है, वो देखेगा कि नहीं देखेगा, तुझे तो मौका मिल गया ना सीडी वापस लेने जाने का, वो देखे नहीं देखे उसका क्या मतलब है, तुझे फॉलो करने का मौका चाहिए। कोई बोलेगा मेरे घर में सीडी प्लेयर, कोई बोलेगा आपको मेरे घर में सीडी प्लेयर नहीं है, नहीं देखेंगे? अरे आप दिए वो ले लिया और रख लेगा, कौन देखता है, रख आएगा दे देंगे। मैं भी तो यही चाह रहा हूं, देख नहीं देख मेरे से मिल दोबारा, मकसद क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है। वो फॉलोअप बार 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 फॉलोअप होता है और बिजनेस ऐसे चलता है बिजनेस। और एक साल के बाद बिजनेस वो हुआ है जो बोल रहा था ना शुरू में, हुआ है समझ में आने लगा बिजनेस क्या है, मेरी जरूरत क्या है। मेरी बहुत छोटी सी जरूरत थी, मैं बिजनेस करते वक्त 8-10 महीने बाद अपने घर गया। मैं झारखंड का रहने वाला हूं और वहां पानी की बहुत दिक्कत है, पानी की। और मेरे घर में हैंडपंप था और गर्मी में मेरी माँ उसको चला रही थी मेहनत से, और एकदम थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था और पूरा काम उनको करना पड़ता था उस पानी चला के, उस मेहनत से। उस दिन दिल में लगा यार कर क्या रहे हैं हम, ये क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी जरूरत है मेरे लिए, ये चाहिए मुझे, ये करेंगे, कितना पैसा। पापा से पूछे पापा क्या लाएगा, पापा बोले बेटा बहुत पैसा लगता है। बोले क्यों नहीं करते हैं, बोले कहाँ से इतना पैसा लाए। बोले कितना लगेगा, बोले 1,00,000 लग जाएगा, वो डीप बोरिंग होता है 300 किलोमीटर, पाइप लगते हैं, ऊपर टंकी बिठाना पड़ता है, बहुत टेंशन है, मोटर लगते हैं। मैं बोला कितना लगेगा, बोले 1,00,000। उस दिन मुझे पता चला कि मेरा हुआ है 1,00,000 है, पहला हुआ है, मुझे क्या करना है। उसके पहले मेरा हुआ था बाइक, उसके पहले कोई कार बोलता था तो मैं बोलता था कि उससे बड़ा कार बोलूंगा स्टेज पे, ये मेरा हुआ था, हो नहीं हो कुछ फर्क नहीं पड़ता था। उस दिन जाके वो पिंच किया अंदर, वो लगा, खूब मेहनत किया और 2 महीने के अंदर घर में लगाया उसको, ये अचीवमेंट थी ड्यूस ऑफ से। एक कॉन्फिडेंस मिला, बहुत अच्छा लगा, ड्यूस ऑफ ने लाइफ बदल दिया। जब मेरी यहां पे मेरा रिकॉग्निशन क्राउन जेल का जब हो रहा था, मैं अकेला आ गया, अनुराग सर ने बोला मनीष तुम्हारे पेरेंट्स, मैं बोले सर पहले बोले नहीं थे तो मैंने तो बोला नहीं किसी को। बोले अरे सबको, सब लोग आए हैं, मम्मी पापा पूरी फैमिली। मैं बोला सर आज कल ही तो प्रोग्राम है, अभी कैसे। बोले यार बुलाओ, कहीं से भी बुलाओ, कैसे भी बुलाओ। मैं बोला सर हमारे यहाँ से तो फ्लाइट भी नहीं चलती, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से 350 किलोमीटर दूर है कलकत्ता। बोले यार कोई तो उपाय कर। घर में तुरंत घर में फ़ोन किया,
टिकट बुक किया फ्लाइट का और दिल्ली एयरपोर्ट पे मम्मी को लेने गया। एयरपोर्ट से बाहर निकली, गले लगा ली, मुझे चूमा। मैं गाड़ी में आगे बैठा, मेरी माँ पीछे बैठी हुई थी, मेरे पिताजी बैठे हुए थे और मेरे आंखों में बहुत सारे आंसू थी, पर गिरने नहीं दे रहा था। मैं पूछ रहा था इसकी कीमत क्या होगी, कितने में खरीदा जा सकता है ये कुछ। मैं कुछ भी करता, मैं जिंदगी में कुछ भी करता, मैं कितना बड़ा डॉक्टर बनता, कितना बड़ा इंजीनियर बनता, पर सिर्फ मैं अपनी जिंदगी बदल पाता, सिर्फ अपनी 10 साल 15 साल 20 साल मेहनत करता और तब जाके एक कार और एक घर खरीद पाता। मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे रहते। ये ड्यू सॉफ्ट है जिसने मेरी जिंदगी नहीं बदली, मैंने अपने पूरे खानदान को बदला उससे। ड्यू सॉफ्ट करने का एक बहुत बड़ा रीजन था, बहुत बड़ा रीजन था मेरा कि अगर ये बिजनेस मैं कोई और काम करूंगा ना, मेरा भाई भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा जैसे मैं पढ़ाऊं, मेरी बहन भी अच्छी जगह नहीं पढ़ पाएगी। कुछ नहीं बदलेगा मेरे साथ, कब बदलेगा, जब सबके उम्र बीत जाएंगे। ड्यू सॉफ्ट एक साल बाद समझ में आ गया था ये ड्यू सॉफ्ट मौका है, सब कुछ बदल सकते हैं 5 साल में, सिर्फ 5 साल मुझे चाहिए और बदल दिया सब कुछ मैंने अपनी जिंदगी में। मैं अपने लिए घर बनाऊं उससे पहले अपने मम्मी पापा के लिए 1 करोड़ से ऊपर खर्च करके घर बनाया। मैं खुद कार से चलूं उससे पहले अपने माँ बाप को कार खरीद के दिया, सब चीज लाइफ में। और आज भी मेरे लिए प्रायोरिटी है जिंदगी में कि जो मेरे पास हो उससे पहले मेरे माँ बाप के पास होने चाहिए। लोग दुनिया में बोलते हैं, दुनिया में लोग बोलते हैं कि बेटे नालायक हैं, बच्चे नालायक हैं। मैं बहुत सारे लोगों को देखा मेरे घर में आए और लड्डू मिठाइयां खिलाए कि मेरे बेटे का नौकरी लग गया, और 5 साल बाद वही व्यक्ति आके मेरे पापा को बोलते हैं कि मेरा बेटा तो आपके बेटा इतना अच्छा नहीं निकला, नालायक निकल गया, बीवी के चंगुल में फंस गया। वो बोलते हैं क्यों, बीवी को लेके चला गया, बस उसके साथ रहता है। अरे क्या करे वो आदमी जो 40-50 हजार रुपये कमाता है, या तो बीवी बच्चों को रख सकता है या माँ बाप को रख सकता है, दोनों को नहीं रख सकता। वो ड्यू सॉफ्टवेयर नहीं है जो सबको रख सकता है। उसके 1 साल के बाद मैं बहुत काम किया, बहुत काम किया। माँ मेरी बोलती थी बेटा दशहरे में दिवाली में कहाँ काम करेगा। मैं बोलता था मम्मी बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ दशहरा नहीं होता है, बहुत सारे जगह ऐसे जहाँ ये वाली फेस्टिवल नहीं, गणेश चतुर्दशी नहीं होती है, गणेश पूजा नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ छठ नहीं होता है, और वहाँ जाते थे किसी फेस्टिवल में। माँ बोलती थी, दादी बोलती थी, पिताजी बोलते थे बेटा कौन सा काम कर रहा है, घर नहीं आता, एक दिन का समय नहीं, ऐसा पैसा कमाने से क्या फ़ायदा। मैं बोलता था पिताजी 4-5 साल रुकिए, बस 4-5 साल रुक जाइए, सब कुछ होगा मेरे पास। वो बोलते थे शरीर तेरा गलता जा रहा। मैं बोला बस हड्डी बच जाना चाहिए, मांस तो फिर से चढ़ा लूंगा। और 4-5 साल जी तोड़ मेहनत करके बिजनेस किया, सब कुछ बदला। और एक वाक्य घटना आपको बताना चाहता हूं। मेरी शादी हुई, शादी के बाद एक महीने 2 महीने 3 महीने घर पे ही था। नई नई शादी में होता है अक्सर, होगी तो जानोगे। हाँ, तो वो ड्यू सॉफ्ट है कि आज घर में झगड़ा नहीं होता है। क्यों भैया, जो चीज पसंद है ले लो, कोई टेंशन नहीं होता है, वो बात की कहानी है। तो वो जो शादीशुदा है वही समझ सकते हैं, बाकी लोग तो मजे ले सकते हैं सिर्फ। 12 महीने में 12 तरीके से, ये 12 तरीके से पैसे प्यार जताने के लिए भी पैसे चाहिए आगे। तो शादी के बाद 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने हो गए, एक दिन मेरी पत्नी आई और मेरे से बोली कि मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा नहीं लगता है।
बोले मैं बोला क्या नहीं अच्छा लगता है बताओ। बोले जब भी मेरे मायके से कोई फोन आता है लोग पूछते हैं मनीष जी कहाँ है, तो मैं बोलती हूँ घर में ही है। तो बोले मैं नहीं समझा, माइंड स्ट्राइक नहीं करता है ना तुरंत वहां पे, मैं समझा नहीं। मैं बोला तो मैं जो आपको बता रहा था कि शादी के चार पांच महीने बाद मेरी पत्नी ने बोला कि जब मायके से उसके पास फोन आता है और लोग पूछते हैं मनीष जी कहाँ है, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। मैं बोला क्यों तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लगता है, मुझे बार बार बोलना पड़ता है घर में ही है। मैं समझा, मैं बोला क्या दिक्कत है फिर। बोले नहीं वो तो 10 बजे भी सुबह करे तो बोलती हूँ घर में है, दोपहर में भी करे तो बोलते हैं घर में, रात में भी करे तो घर में है, तो अब लोग पूछते हैं कि बेटी कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो फिर भी मैं नहीं समझा। मैं बोला तो नहीं, मैं तो बोली कि सारी सुख सुविधाएं हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा है मम्मी, बहुत अच्छा है। फिर मम्मी पूछी मेरी कि और कोई काम वाम जमाई जी करते हैं कि नहीं करते हैं, तब मुझे समझ में आया प्रॉब्लम कहाँ है। मैं बोला अच्छा, मैं समझ गया। हाँ मुझे नहीं ठीक लगता अब तो, मैं झूठ बोलने लगी कि काम पे गए हुए हैं। मैंने तुरंत उसी दिन अपने टीम में बोला, लोग को जरूरत नहीं था, टीम बड़ी हो चुकी थी, 100-100 रॉयल्टी होल्डर टीम में है, वो काम कर रहे थे, टीम बढ़ा जा रहा था, प्रॉब्लम नहीं था। ओ 10-15 दिन में एक दिन बुलाते थे, वो भी समझ रहे थे नहीं नहीं शादी हुई है, तो वो बुलाते थे और चल रहा था इसी, और कोई दिक्कत मुझे भी नहीं था, मुझे भी नहीं लग रहा था, वो गलती थी मेरी, पर लग नहीं रहा था मुझे। तो फिर मैं टीम को बोला मैं आने वाला हूँ। बोला सर अभी तो रुकिए, एक महीना एडिफिकेशन करने दीजिए। मैं बोला अबे तेरे एडिफिकेशन के चक्कर में विवेक नजर में गिर जाऊंगा। फिर मैं बहुत सारे लोगों से कॉन्टेक्ट किया कि कोई समय ले ले। फिर मैं चिंटू सर को बोला, रणविजय सर को बोला, सुधांशु जी को बोला, सब लोगों को बोला कहीं कोई समय चाहिए, बोलिए मैं हाजिर हूँ। बोले मनीष जी क्या हुआ? बोले सर आप नहीं समझ सकते हैं, शादी होगी समझेंगे फिर। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये टाइम फ्रीडम है, ये बिजनेस में मिलता है, पर आप 2 साल बाद कहते हैं कि सर इतना बोले थे टाइम फ्रीडम मिलेगा, कहां मिला अभी तक। अरे यार मैं बोला ना ये वो दुकान नहीं है सब्जी वाली की, हर एक दिन तौले कितना फायदा कितना नुकसान। 2 से 5 साल करो जम के, 5 साल बाद मुड़ के देखो, पहले मत सोचो। फुल टाइम फ्रीडम है बिजनेस में, फुल मस्ती है। अरे इससे अच्छा क्या होगा, इससे अच्छा क्या होगा कि 40-45 साल में भी लोग मजे से डांस कर लेते हैं स्टेज पे, हाँ खुश है तब तो। ये बिजनेस यार डिफरेंट बिजनेस है। लोग बहुत सारे, एक मेरा डाउनलाइन प्रणव है और एक पंकज जी हैं बोकारो से, तो वो लोग मेरे से अक्सर, वो लोग घर से लड़के आए थे मेरे साथ बिजनेस करेंगे, और जब ज्वाइन किया 1 साल हो गया, 1.25 साल हो गया, किसी की 1 माइल बनी, किसी की 1 माइल भी नहीं बनी। तो मेरे डाउनलाइन का घर से उसकी एक्चुअली मेरा पहले तो अकाउंट नहीं होते थे ना स्टूडेंट के, तो वो अपनी मम्मी के साथ ज्वाइंट अकाउंट किया था, उसकी मम्मी के अकाउंट में पैसा आता था। एक दिन एक लेटर मुझे दिया, सर घर से लेटर आया है। मैं बोला क्या है, पढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं, आप ही पढ़िए ना। मुझे लगा क्या, मैं पढ़ा, उसकी मम्मी लिखी थी, बेटा तू बोला था कि 1 साल में मम्मी कार खरीद के दिखा देंगे तुमको, तेरा आज 14 महीना हो गया और 14 महीने में तेरा 24-25 हजार रुपये आए हैं बेटे, डेली बेसिस पे 50 रुपये से कम ही, 50 के आसपास होगा। कौन सा काम कर रहा है बेटा, छोड़ दे ये काम।
तू 14 महीने में 25,000 कमाया है और 14 महीने में मेरे से 50,000 से ज्यादा तू ले चुका है। सर क्या बोले, घर से बहुत प्रेशर है सर। मैं बोलूं, मैं तो सोचा मेरे पास भी जवाब नहीं है, मैं क्या बोलूं यार, बात तो सही है। मैं बोला तेरी मम्मी को कैसे पता, क्यों बताया? बोला सर अकाउंट उन्हीं के साथ ज्वाइंट है, पता चल गया। टेंशन, मैंने उसको फिर मैं जो सीखा था, सीनियर बोलते थे बोला यार, मैं बोला यार मेरे साथ भी ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं, होगा कैसे होगा मुझे भी नहीं पता था, पर बोला मैं। वृद्धि सर ने सिखाया था कि जब कुछ नहीं समझ में आया हिम्मत काम आता है, जब कुछ नहीं समझ में तो हिम्मत कम आता है। मैं बोला होगा, मैं उसको बोला होगा यार, और मेरा वही डायलॉग पुराना वाला, तेरा भी टाइम आएगा। मैं उसको बोला, और मैं हमेशा बोलता था मेरा भी टाइम आएगा, सबको बोलता था। आपको आज बताऊं, अभी वो 15 महीने में वो पोजीशन पे था और 8 साल में ऑलमोस्ट 2 करोड़ रुपए कमा लिया। आज मंथली उसको जोड़ो आप, 2 लाख से ऊपर मंथली है वो, 8 साल में महीने में बांटो 2 करोड़। ये बिजनेस हर दिन तौलने का नहीं है, कितना फायदा कितना नुकसान। ये वो नहीं आज बीज डाले कहाँ आया, अरे नहीं निकला बेकार। अरे यार ऐसे होता है खेती दुनिया में। ये बिजनेस है, इसको बिल्ड करना पड़ता है, इसको जमाना पड़ता है, ये बिजनेस है। तो एक चीज बोलूंगा कि हर 6 महीना पे जो कैलकुलेशन वो तराजू पे तोलते हैं ड्यूसअप मेरे लिए सही या नहीं, अरे नहीं ऐसे मत तोलो, घाटे में रहोगे। बहुत सारे लोग घाटे में हैं, मुझे कई लोग मिले अभी भी चल रहा है ड्यूसअप। हाँ क्यों आप, अरे हम तो 10 लाख कमाए थे, फिर और क्या इतना कमाए, कैसा आदमी है वृद्धि सर, 20 करोड़ कमा के खुश नहीं है, और कमाने के लिए एकदम लड़ाई थे। वो 10 करोड़ में वो पागल हुआ जा रहा, 10 लाख में पागल हुआ जा रहा है। हाँ लोग 1-2 लाख कमा लिया ना, वो मैं शुरू में जो बोला था ना फिलामेंट वोल्टेज वाला, वोल्टेज याद है ना, 20,000 1 लाख, हाँ वही उसका बचपन से तैयारी ही हुआ था 10-20 हजार के लिए। वो 1 लाख कमाया लगा, अब क्या, अब ये कंपनी हटेगा उससे पहले हम हट जाए, वो तो ये सोच के हट गया मेरे ज्वाइन करने से पहले। और मैं 10 साल में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा के आराम से हूं ड्यू सब। तो ये बिजनेस डिफरेंट है, अलग है, इसको जमाइए चलाइए, वो डेली डेली मत डालिए। कल सर ने नारायण मूर्ति की वो कहानी बताई थी, उसे पूरा करूंगा आज मैं। नारायण मूर्ति ने 5 दोस्तों के साथ मिलके एक बिजनेस शुरू करने का फैसला किया और सभी दोस्त 10-10 हजार रुपए लगाने की तैयार थे। इनके पास पैसा नहीं था, पत्नी के गहने से उधार, पत्नी से उधार लेके उनके गहने के बेच के या जैसे भी हो 10,000 रुपये उन्होंने जमा किया और बिजनेस शुरू किया। और 1 साल तक बिजनेस करते करते फिर लगा कि नौकरी करेंगे तो बिजनेस मेरा नहीं चलेगा, नौकरी तक छोड़ दिया। और 5 और 6 दोस्त थे पहले, और 6ों मिलके लगे। 2 साल बाद एक दोस्त भाग गया, बोला नहीं यार ये तो बेवकूफ़ी है, वो इतने परेशान हैं, हम लोग गैरेज में मर रहे हैं इतने 2 साल से, इससे तो नौकरी में थे हम। वो भाग गया, 5 लोग डटे रहे। नारायण मूर्ति के घर की स्थिति इतनी खराब कि बीबी को उन्होंने समझाया कि ऐसा करो अपने पिताजी के घर चले जाओ बच्चों को लेके। हकीकत है वो अपने बच्चों के साथ अपने फादर के घर गई, एक बेटा एक बेटी दोनों के साथ वो अपने फादर के घर में रहती थी और ये अपना बिजनेस चला रहे थे। और 10 साल तक लगातार करते रहे और घाटे में रहे, और 10 साल बाद एक बड़ी कंपनी उनकी कंपनी को खरीदने के लिए आई और उनको 1 करोड़ रुपया ऑफर किया गया कि बेचो कंपनी लेंगे। 4 दोस्त तैयार, आई अब छुटकारा मिला, ये फंसे हुए थे इतने साल से। चार दोस्त तैयार, बोला यार हम लोग का तो लॉटरी लग गया। नारायण मूर्ति को बोला, नारायण मूर्ति को समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने बोला सोचा बोला ठीक है तुम लोग बेचोगे बेचो मैं ही खरीदूंगा। लोगों को पता तो नहीं था, पता ये था लोगों को कि बीवी को नहीं रख पा रहा, ये कहां से खरीदेगा। वो जिद पे अड़े थे, नहीं छोड़ेंगे करेंगे। उनके जिद उनके बिलीफ के कारण बाकी सारे दोस्तों ने लास्ट में बोला ठीक है नहीं बेचेंगे, दोस्त बोल रहा है ठीक है करेंगे। वो 10-12 साल की बात, मेहनत के बाद कुछ नहीं था, कर्ज था उनके ऊपर, और वो लोग इसलिए बेचने के लिए बाकी 4 दोस्त तैयार थे कि कर्ज चुकाएंगे आराम से जिंदगी जिएंगे और नौकरी फिर से कर लेंगे।
लेकिन एक इंसान जिसके पास मैंने शुरू में कहा था ना, उसके डब्बे से निकल चुके थे उसके सपने, और पुराने सपने उसके जग चुके थे जो बचपन में था, जो हम सभी के होते हैं, वो डिटरमाइंड था। और मजे की बात, जब उसने फैसला किया कंपनी नहीं बेचेंगे, उसके 5 साल के बाद कंपनी की मार्केट वैल्यू 100 करोड़ रुपए पार कर गई थी। आज कंपनी ऑफ मिलियनर्स बोलते हैं उसको। ये कहानी है। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं, महात्मा गांधी को जानते हैं? सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं? भगत सिंह को जानते हैं? विनोद कुमार को जानते हैं? अरे नहीं जानते हो, नहीं जानते हो। पूछो क्यों? अरे किसी ना किसी का तो नाम विनोद कुमार होगा, वो भी आजादी की लड़ाई में जोश में कूदा होगा, 2 डंडे खाया होगा, घर में बैठ गया होगा। हम इसलिए नाम नहीं जानते कि वो छोड़ दिया, हम उनकी नाम जानते हैं जो लगातार करते रहे। ये बिजनेस वो है, ये बिजनेस वो है। और अगर कोई कहता है, अगर कोई कहता है आपको कि बहुत आसान है, तो भुलावे में मत रहिए, भुलावे में मत रहिए। धरती पे एक एक कदम मुश्किल है। जिंदगी आसान नहीं है, जिंदगी से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं, और जिंदगी से ज्यादा हसीन भी कुछ नहीं, दोनों है। अगर कोई कहता है बहुत आसान, तो गलत। मैं कहता हूं चुनौतियां शुरू हो चुकी है, चुनौतियां शुरू हो चुकी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब पहली बार मैं स्टार था और एक प्रोग्राम हुआ था, और उस प्रोग्राम में बॉबी सर थे, प्रशांत सर थे, सब लोग आए थे पटना में, और बॉबी सर ने मुझे बात करवाया था वृद्धि सर से। मैं उसमें तक मिला नहीं था, फोन पे मैं एक्साइटेड था, सबसे बड़ा सीनियर से बात कर रहा हूँ, क्या बोलूँगा, थोड़ी देर सोचते रहा। कहते हैं आदमी का जो आदत होता है वो निकल जाता, फोन पे मेरा क्या निकला पता है? सर मेरा भी टाइम आएगा। वो बोले क्या है, कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, कितने लोग आए, पूछे प्रोग्राम में, बताया, अच्छा रिस्पॉन्स। मेरा अच्छा नहीं था उस समय, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, तो मैंने बस उनको कि मैं हूं कुछ, ये कहने के लिए मैंने उनको बोला सर एक दिन मेरा भी टाइम आएगा। और पता है ये दिमाग घूम गया उस दिन, जो उधर से आवाज आया वृद्धि सर का, उन्होंने कहा मनीष जी टाइम आ गया है, आएगा नहीं, टाइम आ गया है, टाइम यही है आपका, जिंदगी बदलेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं टाइम आएगा, तो भुलावे में मत रहिए, टाइम आ चुका है, निकल ना जाए, चिंता इसका कीजिए। वो टाइम आ गया जिंदगी बदलने का, वो टाइम आ गया। जैसे चुनौतियां आई, समझिए सफलता आ रहा है। जैसे चैलेंज आया, जैसे प्रॉब्लम आया, समझिए सफलता आ रही है। बस फाइट करना है, क्योंकि छोड़ेंगे तो नहीं मिलेगा। तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए चुनौतियों के लिए, तैयार हो जाइए फाइट करने के लिए, तैयार हो जाइए मेहनत करने के लिए, तैयार हो जाइए। कुछ नहीं आता है, पर तैयार हो जाइए अपने जुनून से हर चीज को जीत लेने के लिए। जिस दिन महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के मैदान पे उतरे थे, उस दिन लोगों ने कहा कोई टेक्निक नहीं है, गेम टेक्निक से चलता है, इससे कोई दो राय नहीं, पर टेक्निक सीखा जा सकता है, पर आदमी जुनून से चलता है। वो आदमी जुनून से उस मैदान पे पहुंचा था और टेक्निक सीख गया है। आज आप उस बिजनेस में है, आप दुनिया के बाकी कामों में नहीं है जहां गलती करने से लोग फेल होते हैं, आप उस काम में है जहां गलती करते करते लोग आगे बढ़ते हैं, आप उस काम में है। बस एक चीज चाहिए, जुनून, जुनून चाहिए अपने ड्रीम पे, जुनून चाहिए अपने ख्वाबों पे, फाइट कीजिए उसके साथ, चुनौतियां आपके सामने खड़ी होगी। जब फाइट करने निकलेंगे चुनौतियां आएंगी, चैलेंजेज आएंगी, तैयार हो जाइए, आपकी सफलता आपके सामने है। जुनून बनाइए अपने अंदर, एक आग पैदा कीजिए, अपने सपनों को पहचानिए। और वो वाय जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि मेरी माँ ने जब मुझे दिल्ली के एयरपोर्ट पे गले लगाया था और उसकी आंखों में आंसू थे, और उसके बाद जब कार पे बैठ के मैं निकला था अपने क्राउन ज्वेल के रिकॉग्निशन में अपनी माँ के साथ, तो मैं यही वो चीज जो सोच रहा था कि मैं कुछ और काम करता, ये खुशी कभी नहीं खरीद पाता। ये ड्यूस ऑफ दिया था मुझे, ये आपको भी, मुझे नहीं पता आपका व्हाई क्या है, पर आपको पता करना होगा आप क्यों कर रहे हैं बिजनेस, आप क्यों कर रहे हैं बिजनेस। आप जो सोचिएगा वो कर सकते हैं इस बिजनेस में, और आपके सामने एग्जांपल हैं, आप पहले आदमी नहीं है जो करने जा रहे हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं। और मजे की बात
कि फ्रंट रो ने जितनी तेजी से की वो दूसरा रो उससे ज्यादा तेजी से कर रहा है, और तीसरा रो उससे ज्यादा तेजी से, चौथा रो उससे ज्यादा तेजी से, और कॉर्नर वाले उससे ज्यादा तेजी से ये बिजनेस कर रहे हैं। अच्छी बात ये है इस बिजनेस की खासियत, और इस बिजनेस में चमत्कार होता है, इस बिजनेस में चमत्कार होता है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि मैं 10 साल के बाद इस स्टेज में हूं, और आप में से बैठे हुए कई लोग 5 साल के बाद इस स्टेज में होंगे। और इससे भी बड़ा चमत्कार इस बिजनेस में होता है, 5 साल टिक के देखिए, जो इस हॉल में नहीं है आज वो भी इस स्टेज पे 5 साल बाद खड़ा होगा। यही खासियत है इस बिजनेस का। आज जो अपने घर पे होगा, जिसे कोई प्लान दे रहा होगा, जिसे आप 10 दिन बाद प्लान देंगे, हो सकता है 5 साल बाद वो स्टेज में हो। दुनिया में दूसरा ऐसा कोई काम नहीं है। कहते हैं मुसीबतें इंसान को तोड़ देती है, कहते हैं मुसीबतें इंसान को तोड़ देती है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, नाम बहुत सारे हैं दुनिया में जिन्होंने कर दिखाया है, और यहां भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा कर दिखाए हैं। बस एक चीज कहना चाहूंगा, एक बहुत फेमस कहावत है चाइना में कि हथौड़े की चोट शीशे को चकनाचूर कर देती है, पर उसी हथौड़े की चोट अगर लोहे पे पड़ जाए तो वो उसे फौलाद कर देती है। फैसला आपको करना है कि आने वाले 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल में अपने ख्वाबों को जीना चाहते हैं या नहीं। एक चीज याद रखिएगा, आप तालियां बजाने के लिए नहीं हैं, आप तालियां बजाने के लिए नहीं हैं। इस दुनिया में आप अपने घर वाले को यहां बिठा दीजिए और कोई भी बोल रहा हो, उनके अंदर एक ख्वाब ये पलता रहेगा कि मेरा बेटा अगर वहां होगा ना तब मैं ताली बजाऊंगा। कहते हैं ड्यूस अपने सब कुछ दिया, सबसे बड़ी चीज जो दी ना, माँ बाप के नजर में मुझे हीरो बना दिया। मेरे घर में शाहरुख खान और सलमान खान का पिक्चर कम चलता है, मेरे प्रोग्राम के सीडी ज्यादा चलते हैं। कोई भी गेस्ट आ जाए ना, मेरे पिताजी बहुत खुश होते हैं, उठते हैं, एक सीडी निकालते हैं और लगा देते हैं, और गर्व से छाती तान के बैठ जाते हैं, देखिए मेरे बेटे को। ये खुशी आपको देना है। दुनिया में कोई भी नहीं चाहता, आपके फैमिली वाले, आपके छोटे भाई, आपके बहन, आपके माता पिता, आपके घर वाले, आपके बच्चे, कोई नहीं चाह रहे हों किसी और के लिए तालियां बजाने के लिए। वो उस दिन के इंतजार में है जिस दिन वो आपके लिए तालियां बजाएं। तैयार हैं? थैंक यू फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट।